ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने एक पेज वन डेवलप किया है, राइट? अब ये जो थीम आपको दिख रही है डार्क वाली, ये ठीक लग रही है या मैं रेगुलर जो थीम है वही दिखाऊं, उसमें दिखाऊं? ये एक प्रीव्यू फीचर है, जैसे पावर बी आई में कुछ रिपोर्ट सेटिंग होती है तो आप सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि फाइल ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन में ऑप्शन एंड सेटिंग। ये डार्क थीम जो है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है माइक्रोसॉफ्ट से। तो मैं ग्लोबल में जाऊंगा, यहाँ पे रिपोर्ट सेटिंग में वो यहाँ पे चूज थीम आता है। अभी ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है, डार्क थीम है। अगर तो मैं डिफॉल्ट ले लूँ तो डिफॉल्ट वाली जो थीम रहेगी रेगुलर जो अपना व्हाइट स्क्रीन में दिखता है वैसे दिखेगी, जैसे रेगुलर दिखता है। ओके फाइन। देन एक पेज, फर्स्ट पेज हमने एक डेवलप कर लिया जिसमें कुछ विजुअल्स हमने यूज किए एंड ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स फ्रॉम द व्हाट एवर द डेटा वी हैव, राइट? वी हैव ऑर्डर क्वांटिटी, वी हैव सेल्स, वी हैव रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, वट एवर द मेजर्स वी क्रिएटेड, बेस अपॉन दैट वी डू दिस एनालिसिस। सो लेट मी रीनेम दिस पेज वन। पेज वन इज नथिंग बट अवर समरी पेज, सो आई विल जस्ट रीनेम इट समरी पेज एंड वी गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैं डेवलप करना चाहता हूँ मेरा नेक्स्ट एनालिसिस विच इज नथिंग बट अ कस्टमर एनालिसिस, राइट? सो अगर मुझे कस्टमर का एनालिसिस करना है सो आई नीड टू फोकस ऑन टू टेबल्स, राइट? टू टेबल्स इन द सेंस कि कस्टमर टेबल्स फिर मेरे लिए प्रायोरिटी होगा। वट एवर द फील्ड्स आई एम टेकिंग, लाइट कस्टमर नेम एंड वट एवर द एनालिसिस आई एम डूइंग, इट इज टोटली फ्रॉम द माई फैक्ट टेबल्स एंड माई डायमेंशन टेबल विच इज नथिंग बट अ कस्टमर एंड अदर डायमेंशन टेबल विच इज हेल्प, लाइक अ टेरिटरी। अगर मुझे एनालिसिस करना है कि मैंने मेरे कस्टमर जो है कौन से कस्टमर कौन से टेरिटरी से आते हैं, लाइक दैट एनालिसिस वी कैन डू। जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, सो फर्स्ट विजुअल्स आई एम डूइंग ओवर हियर इज मैं एक मैट्रिक्स विजुअल बनाना चाहता हूँ। मैट्रिक्स विजुअल्स में मुझे या टेबल विजुअल्स में मुझे बेसिकली शो करना है कि कस्टमर वाइज मुझे ऑर्डर क्वांटिटी एंड आई वांटेड टू शोकेस अ रेवेन्यू कि व्हिच कस्टमर्स हैविंग द हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, उनका रेवेन्यू कितना जनरेट होके आ रहा है हमें उस कस्टमर से। ठीक है, सो अगेन आई विल सर्च फॉर द कस्टमर टेबल। मैं कस्टमर डिम में जाऊंगा, यहाँ पे हमने एक फुल नेम का कॉलम क्रिएट किया था, राइट? सो वी हैव अ फुल नेम, सो मैं ट्रैक कर रहा हूँ फुल नेम को यहाँ पे विजुअल के अंदर। तो एक लिस्ट प्रोवाइड करके देगा ये मुझे जिसमें कस्टमर्स के नाम रहेंगे, राइट? ऑल्सो आई वॉन्टेड टू डू द एनालिसिस फॉर ऑर्डर क्वान्टिटी, सो आई विल जस्ट ड्रैग दिस ऑर्डर क्वान्टिटी। लेट मी क्रिएट अ मेजर फॉर द ऑर्डर क्वान्टिटी। We going to need this. So, मैं एक न्यू मेजर बना रहा हूँ। ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट सेल्स फैक्ट टेबल की जो ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है ना उसका मैं समेशन लेने वाला हूँ। तो सिंपल मेजर रहेगा जस्ट सम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। कॉलम को नाम, मेजर को नाम देते हैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। सो सेल्स फैक्ट के अंदर की जो ऑर्डर क्वांटिटी है सिंपली आई विल जस्ट टेक अ सम ऑफ दिस। ओके, आई विल जस्ट ड्रैग दिस मेजर्स इनटू दिस विजुअल्स। सो इट विल बी शोकेसिंग मी कस्टमर वाइज ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, राइट? अगेन आई आल्सो इंटरेस्टेड इन, आई वांटेड टू नो द रेवेन्यू आल्सो, सो आई विल जस्ट ड्रैग दिस रेवेन्यू। This revenue measures in this particular sections. Fine. So यहाँ पे एक टेबल जनरेट, टेबल मुझे बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि किस कस्टमर की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है और उसका रेवेन्यू कितना है, राइट? सो लेट मी इंक्रीज सम फॉन्ट। ओके, let me arrange some header name also. Okay, and I will go to the effect and I wanted to do
do some visualing. Also मुझे इस पर्टिकुलर विजुअल में यहाँ पे जैसे नॉर्मली हमारा टेबल्स होता है तो हमें एक लाइन दिखती है, राइट, वर्टिकल लाइंस दिखती है दो कॉलम्स के बीच में. अगर मुझे वो ऑन करनी रहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ग्रिड लाइंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस आप ऑन कर सकते हैं. जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस ऑन है बट उसका कलर जो है वो एकदम डार्क नहीं है, सो लेट मी डार्क इट सो लिटिल बिट, तो लाइन वाइज दिखेगा डेटा. अगेन इफ आई ऑन दिस वर्टिकल ग्रिड तो वर्टिकल लाइंस भी ऑन हो जाएंगे. अगेन आई विल चेंज दिस कलर टू द डार्क वन, आई कैन एबल टू सी इट, राइट. सो एक टेबल के फॉर्मेट में मुझे एक प्रेजेंटेशन देगा. Fine. So once this is done, I move to some conditional formatting. So conditional formatting, what I mean over here is, let's say कि यहाँ पे order quantity है 19, 13, कुछ order quantity दिखती है. तो मुझे ये इस पे focus करना है कि किस customer की order quantity let's say 10 के नीचे है, मुझे उस पे focus करना है. या मुझे identify करना है कि ऐसे customer जिनकी order quantity 10 के नीचे है, तो मैं यहाँ पे इस ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम पे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा ताकि वो एक रूल सेट कर दूंगा एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट से कि अगर 10 के नीचे हो क्वांटिटी तो मुझे यहाँ पे कुछ आइकॉन्स प्रोवाइड करके दो इस सेल के अंदर ताकि आइडेंटिफाई हो सके. सो लेट्स डू दिस. उसको कैसे करते हैं, सो मैं विजुअल को मैंने सेलेक्ट किया. वी वॉन्टेड टू डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी. सो इन दिस कॉलम सेक्शन दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज देयर. सो इसका एक ड्रॉप डाउन बनता है, इस ड्रॉप डाउन को मैं क्लिक करूंगा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे. इसमें है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर मैंने ओपन किया तो कुछ ऑप्शंस मुझे दिखते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, डेटा बार्स है, आइकॉन्स है, वेब यूआरएल है. तो सबसे पहले लेते हैं आइकॉन्स. आइकॉन्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप विंडो मेरे सामने आएगा जो मुझे एक फिजिबिलिटी देता है, एक ऑप्शंस देता है कि मैं कौन से आइकॉन चूज करना चाहता हूँ. अगर मेरे स्टाइल्स अलग अलग लेने तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स के ऑप्शन आएंगे जो मुझे मैं यूज कर सकता हूँ, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह यूज करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दिस. फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे बस ऑप्शंस एक स्टाइल ले रहा हूँ. ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट स्टाइल्स, तो यहाँ पे देखिए एक रूल्स करके आता है ऑप्शन, एंड जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर रहे हो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस टेबल के अंदर इस टेबल के अंदर मुझे अप्लाई किस लेवल तक करनी है. मतलब ऊपर हमारा हेडर है, उसके बाद वैल्यूज है एंड देन टोटल्स है, करेक्ट, विजुअल के अंदर. तो उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मुझे ओनली वैल्यूज को अप्लाई करना है या वैल्यूज एंड टोटल्स को अप्लाई करना है या टोटल्स को करना है ओनली. सो आई कैन चूज अकॉर्डिंगली. सो आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यूज ओनली. So I'll keep these values only and rules as a format style. Format style में again आपके पास field value का भी option आता है. Basically this field value is nothing but आप कोई एक flag create कर सकते हो and उस flag के basis पे conditional formatting लगा सकते हो. जैसे कि मैं ऐसा एक flag कर दूंगा या create कर दूंगा if statement लगा के जो मुझे output दे 0 and 1 के format में, right? If statement use करके. Let's say for example अगर मैं स्पेसिफिक हूँ कि मुझे ऑर्डर क्वांटिटी बस 10 के नीचे ही चेक करनी है तो मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा दूँ कि इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन 0 देन गिव मी 1 अदरवाइज गिव मी 0. सो ऐसा एक कंडीशनल कॉलम बना लूंगा मैं एंड उस मेजर या उस कॉलम को मैं यहाँ पे फील्ड वैल्यू के सेक्शंस में यूज कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू डू द फॉर्मेटिंग. सो पहले रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या है. रूल्स मतलब मैं एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स सेट कर रहा हूँ कि इफ 10 है, अगर 15 है, 20 है, मल्टीपल रूल सेट करने हैं मुझे, मल्टीपल इफ्स कंडीशंस उसमें इंक्लूड है, तो मैं रूल्स सेट करूंगा. रूल सेट करने के लिए देन किस पे रूल सेट करना है आपको यहाँ पे चूज करना है. जैसे हमें ऑर्डर क्वांटिटी पे रूल सेट करना है जो हमने उस विजुअल में यूज किया हुआ है, राइट. तो ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर यहाँ पे मैं चूज करूंगा. आप यहाँ पे दूसरा मेजर भी चूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर पे मुझे करना है.
अगेन जो आइकॉन जनरेट होके आएगा, ये जो ये आइकॉन यहाँ पे यूज होने वाला है, वो आइकॉन मुझे सेल में उस डेटा के लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए, वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि आइकॉन का लेआउट जो है वो लेफ्ट ऑफ डेटा चाहिए या सिर्फ आइकॉन चाहिए, डेटा को हाइड कर दो या राइट ऑफ द डेटा चाहिए, राइट मतलब अगर सेल में एक वैल्यू है तो उस सेल में लेफ्ट में आपको आइकॉन चाहिए राइट में चाहिए या डेटा नहीं चाहिए ओनली आइकॉन चाहिए। सो मैं लेफ्ट ऑफ द डेटा रख रहा हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट। आइकॉन की अलाइनमेंट कैसे, टॉप में चाहिए मिडल में चाहिए बॉटम में, सो आई इंटरेस्टेड इन मिडल, सेंटर में रखो उसको। स्टाइल आप चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए, एंड कुछ रूल यहाँ पे सेट होके आ रहे हैं जो डिफॉल्ट वो ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे कुछ रूल सेट करेगा। सो मैं एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रूल, सो मैं इनको रिमूव करूंगा यहाँ से क्रॉस करके, ठीक है। तो पहला रूल सेट करेगा वो कि अगर ये ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू मुझे सेट करनी है कि लेस देन चाहिए राइट मुझे, सो लेट्स से कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जीरो है, इट इज नॉट अ परसेंट नंबर है, एंड लेस देन और इक्वल टू 10 है राइट नंबर। ये मेरा फर्स्ट रूल हुआ कि वो ग्रेटर देन जीरो है एंड लेस देन 10 है, मतलब 0 टू 10 के बीच में अगर है तो मुझे लेट से एक तुम रेड कलर का फ्लैग वहां पे दे दो, तो मैंने एक फ्लैग यहाँ पे लगा लिया कि ये आइकॉन मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे कोई दूसरा रूल सेट करना है कि लेट से कि ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू 11 से लेके 20 तक है या 11 से लेके 30 तक है, तो मैं अगेन यहाँ पे रूल सेट करूंगा कि अगर वो ग्रेटर देन 11 है या ग्रेटर देन 10 है, अगेन इट इज अ नंबर, और लेस देन इक्वल टू है लेट से 30, देन गिव मी लेट से दिस वन ग्रीन वन। दो फ्लैग को मैंने जस्ट नॉर्मली सेट कर दिया एंड आई हिट ओके, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कुछ एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होके आई है, 19 को ग्रीन उसने प्रोवाइड किया है एंड 7 को उसने रेड प्रोवाइड किया है। सो नाउ सर्टन टाइम क्या होता है कि आप वैल्यूज को नहीं देखोगे, आप आइकॉन्स को देखोगे, ठीक है। कभी कभी जो हमारा एनालिसिस होता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन बेस हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर क्वांटिटी का जस्ट एग्जांपल लिया, लेकिन आपके केस में आपका एनालिसिस हो सकता है कि जहाँ पे कस्टमर या क्लाइंट हमारा जिसका रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक है टूवर्ड सर्टन वैल्यूज, कि उसको उसका थ्रेशोल्ड वही चाहिए, मतलब लेट्स से कि उसको इफ वी कंसिडरिंग दिस एज एन एग्जाम्पल, तो लेट्स से कंपनी आपको बोल सकती है कि नहीं ऑर्डर क्वांटिटी 10 हमने लिखा हुआ है तो 10 के नीचे जितने रहेंगे उतने ही रेड से हाईलाइट होने चाहिए, बाकी क्या इट्स ओके, बाकी की कंडीशन फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं, बट वी आर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स की जिसकी लेस ऑर्डर क्वांटिटी है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि नॉर्मली जब हम फिगर्स को देखते हैं तो हो सकता है कि हम फिगर्स को इतना इजीली एनालाइज ना कर पाए राइट, बट जब हम किसी आइकॉन को देखते हैं, इन शॉर्ट इमेज को देखते हैं, नंबर से ज्यादा हम इमेज को देखते हैं, तो इमेज से हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हाईलाइटेड है या कौन सी वैल्यू 10 के नीचे है राइट। बाय सीइंग दिस आइकॉन्स ओनली मुझे पता है कि ये आइकॉन्स रेड में है, तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी 10 के नीचे है। हाँ, कितनी है फिर वो इंडिविजुअली आपको नंबर से पता चलेगा, बट एटलीस्ट टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स मैं इस आइकॉन्स को ही पहले देखूंगा राइट। तो इस वे से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पुट कर सकते हो। अनदर एग्जांपल ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज डेटा बार्स। सो अगर मुझे डेटा बार्स ऑन करने हैं तो सिंपली क्या होता है, लेट्स से कि मैं रेवेन्यू का जो हमारा ये कॉलम है इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर द डेटा बार्स। तो डेटा बार्स को अगर मैं ऑन करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, वो एक कलर सेट करके देगा आपको ऑटोमेटिकली कि लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगी और हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगी। आप अगर स्पेसिफिक टूवर्ड्स और वैल्यूज के आपको पता है कि लोएस्ट वैल्यू मुझे मेरी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में या कॉलम में एनी इंडिविजुअल है मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यूज अवेलेबल है, देन आई कैन पुट, अदरवाइज ये क्या कर लेता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, चूज कर लेता है। सो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते, बेसिकली वी आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स ओनली सीइंग कि कितनी मैक्स वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है, उसके बेसिस पे वो जज कर लेगा और आपको एक डेटा बार्स प्रोवाइड कर देगा। डेटा बार्स मतलब क्या, लेट्स सी दिस, कि मैंने अगर इसको ओके किया तो ऐसे डेटा बार्स क्रिएट होंगे, जैसे
14,01,478 ये हाईएस्ट है रेवेन्यू में, राइट। तो उसके लिए फुल आएगा कलर ग्रीन। जैसे जैसे वैल्यूज कम होती जाएगी वैसे वैसे ये जो बार्स है वो बार्स छोटे होते चले जाएंगे। अगर मैंने इसको असेंडिंग किया एक बार तो देखो इनके लिए तो बहुत लो है, कलर ही दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी है। ये वैल्यू कैसे करती है, वो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू को फुल जो सेल है वो फुल सेल को उस पर्टिकुलर कलर से भर देगा और उस मैक्स वैल्यू के कंपैरिजन में दिस पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करके वो कलर्स की परसेंटेज उतने में भरेगा। जैसे कि ये 4.99 है मतलब 14,000 और 5 ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। ऑलमोस्ट 99.9% खाली रहेगा, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग एनी कलर ओवर हियर, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलरिंग स्टार्ट होते जाएगा। अगर मैंने असेंडिंग किया तो यू सी द डिफरेंस, राइट। ये वैल्यू छोटी छोटी मतलब आधा ही बार भरा हुआ है, ये पूरा खाली है यहाँ पे आगे क्योंकि मैक्स कितना है 14 है, ये है 11। रिकॉर्डिंग ऐसे चेंज होता जाएगा ये। सो दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा बार्स आइकॉन्स है, डेटा बार्स है, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑप्शन है, फॉन्ट कलर है। जैसे आपने ये जो फॉन्ट दिख रहे हैं ना देखो, जैसे कि मिसेस जेसिका अलेक्जेंडर ये जो नाम है इस नाम का कलर मुझे चेंज करना है। अभी ये ब्लैक फॉन्ट में है बाय डिफॉल्ट, तो जो जैसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे लगाई वैसे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन फॉन्ट चेंज होगा, आइकॉन नहीं आएगा, उसका कलर चेंज हो गया। अगर वो ब्लैक कलर में सब दिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का कलर वो रेड में शो करेगा मुझे, ये फॉन्ट रेड में हो जाएगा। सेम वे अगर मुझे इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब ये जो सेल है यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है मिसेस जेसिका अलेक्जेंडर, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है तो मैं बैकग्राउंड को भी हाईलाइट कर सकता हूँ अलग कलर से, ठीक है। सेम वे जैसे जैसे हमने ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी, राइट। आइकॉन्स के लिए जैसे हमने रूल सेट किया था वैसे आप फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर के लिए भी रूल सेट कर सकते हो, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगा के, मल्टीपल कंडीशंस लगा के आप यहाँ पे भी सेम वे में रूल सेट कर सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए लगानी है, आपको फॉन्ट के लिए लगानी है, आपको बैकग्राउंड कलर के लिए लगानी है, आपको आइकॉन्स पुट करने हैं या डेटा बार्स ऑन करना है, ये अप टू यू। आपको एनालिसिस कैसे करना है, कैसे शोकेस करना है डेटा, ठीक है। अगेन दिस पर्टिकुलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ऑप्शनल, कभी कभी क्लाइंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता ये हमारा मतलब। अगर आपको एनालिसिस में लगता है कि इफ यू आर यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ये और रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा, क्लाइंट्स को इसका बेनिफिट होगा, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल है। कभी कभी क्लाइंट्स को पता होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग, या वो जो रिपोर्टिंग यूज करते हैं जैसे कि एक्सेल में रिपोर्टिंग बना रहे होंगे पहले, तो वहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल होती है, राइट। तो क्लाइंट उसका रेफरेंस लेके आपको बोल सकता है कि जैसे एक्सेल में हम करते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या किसी पर्टिकुलर चीज को हम हाईलाइट करते हैं वैसे भी हाईलाइटेशन हमें इस रिपोर्ट में भी चाहिए। सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो, ओके, अंडरस्टैंड, फाइन। सो ये मैंने एक टेबल बना दिया। अगेन लेट्स गो विथ अनदर एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्री मैप यूज करना चाहता हूँ। बेसिकली ट्री मैप पे मैं इस टाइम पे ये एनालाइज करना चाहता हूँ कि एज ग्रुप का एक हमने कॉलम बनाया था, राइट, ईयर्स वाला। तो बेसिकली मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ कि कौन से एज ग्रुप का कितना ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। इससे क्या पता चलेगा, लेट्स से मेरा एक एज ग्रुप है जो है 25 वाला एज ग्रुप है, जिनका एज, जिस कस्टमर का एज 25 है वो यंग कस्टमर है, राइट। तो यंग कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, राइट, यंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट, लेट्स से कि अगर हम इस डेटा सेट की बात करें तो यंग कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा किस तरफ होगी, वो ज्यादा स्पोर्टी लुक, राइट, स्पोर्टी, या जो एकदम जिसको हम बोलते हैं कि उनका जो पसंद होती है वो थोड़ा स्पोर्टी लुक की तरफ होगी। लेकिन अगर वही कस्टमर्स एज कस्टमर, लेट्स से 55-60 एज का कस्टमर, सो वो ही डजंट लाइक स्पोर्टी वन, उनको डिसेंट वाला एक चाहिए होगा, राइट। सो वो डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, राइट। अगेन उससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि लेट्स से कि मुझे पता चला कि
मेरे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा फेमस है, इसलिए उनकी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, राइट। जैसे मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, उस 10 प्रोडक्ट में से एज ग्रुप लेट से 35 जिनका एज है, उस एज ग्रुप के कस्टमर ने मेरी ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेस किए हुए, ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, राइट। लेकिन मेरा दूसरा एज ग्रुप जो है लेट से 25, उन्होंने मेरे कम प्रोडक्ट परचेस किए हुए। सो मैं रूट कॉज क्या कर सकता हूँ कि वाई ऐसा क्यों है, उस एज ग्रुप में मेरे प्रोडक्ट क्यों परचेस कम किए, मेरी ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे कम क्यों है, तो मैं वहां पे रूट कॉज कर सकता हूँ कि मैं मेरे प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट उस एज ग्रुप को पसंद नहीं आ रहा है, उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मैं मार्केट सर्वे कर सकता हूँ, सेम प्रोडक्ट अदर कंपनीज के जो मिलते हैं मार्केट में उनके कंपैरिजन में मेरे प्रोडक्ट की क्या रेंज है, प्राइस रेंज को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अगेन मैं स्ट्रेटेजीज बना सकता हूँ कि मैं उस पर डिस्काउंट देना शुरू कर दूँ उन प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। या मैं कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ जो एज पर मार्केट कंडीशन मार्केट नीड के हिसाब से, हो सकता है ना कि हमारे प्रोडक्ट जो हो वो प्रोडक्ट कंपेरेटिवली टाइम, राइट, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट भी चाहिए होती है, राइट। अगर टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ना किया जाए तो प्रोडक्ट क्या होता है, आउट ऑफ रेस चला जाता है, राइट। राइट, जैसे कि एग्जाम्पल है एम्बेसडर, पता होगा आपको एम्बेसडर एक ओल्ड कंपनी थी, राइट, गाड़ी की, राइट। पहले सब लोग वही गाड़ी यूज करते थे एम्बेसडर इनिशियल फेज में, मतलब सब मंत्री वगैरह हाई लेवल के लोग सारे एम्बेसडर्स यूज करते थे। सो एम्बेसडर को क्या लगा कि मैं अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा फिर भी मेरा एक 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 रहेगा मार्केट में, कि मेरा एक अलग से जो बोलते हैं कि वजूद रहेगा, ऐसा उनको लगा, इसलिए उन्होंने टाइम के हिसाब से उनके प्रोडक्ट में चेंज नहीं किया। तो बाद में क्या हुआ, एम्बेसडर आउट ऑफ मार्केट चले गए, एम्बेसडर अभी दिखते नहीं हमें, अगर किसी के पास पुरानी रहेगी तो वो दिखती कभी, बट मार्केट से चली गई क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुआ। वैसे सेम सेम केस में अगर मेरी प्रोडक्ट में मैं इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा तो मार्केट में चलेगा नहीं, तो ये स्ट्रेटेजीज फिर कंपनी अपना सकती है बेस अपॉन दिस एनालिसिस, राइट। जो एनालिसिस आप करते हो उस एनालिसिस के पीछे हमेशा कुछ रीजन होना चाहिए, सिंपली बस चार्ट बनाना है या विजुअलाइजेशन बनाना है बस, इसलिए हम बनाते नहीं, राइट। ये तो कोई भी कर सकता है, टूल्स नॉर्मली सीख के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो एनालिसिस कोई भी बना सकता है, बट एनालिसिस एक मीनिंगफुल होना चाहिए, जिस एनालिसिस से कंपनी को बेनिफिट हो ऐसा एनालिसिस होना चाहिए, इसलिए तो कंपनी डेटा एनालिसिस को हायर करती है, राइट। तो ये थिंकिंग भी हमें करना पड़ता है व्हेन वी डू विजुअलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट सेट होती है पहले से ही, कंपनी ने ऑलरेडी ये सेट करके रखा होता है कि उनको क्या किस टाइप का एनालिसिस करना है, बट कभी कभी सर्टन रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है जिसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि कंपनी को क्या चाहिए होगा बेस अपॉन देयर डेटा। तो पहले आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर आपको इनसाइट जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक क्वाइट लेंदी प्रोसेस हो सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, लेकिन जिस केस में रिक्वायरमेंट फिक्स होती है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होता है, आपको पता होता है कि क्या करना है एक्चुअली, ओके। सो अगेन डिपेंड अपॉन केस टू केस, विजुअलाइजेशंस कभी कभी आपको खुद से भी बनाने पड़ सकते हैं, एनालिसिस खुद से करना पड़ सकता है, या एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट जो आपको रिसीव होती है उसके हिसाब से आपको बनाना होता है, ओके। अगेन नेक्स्ट पार्ट आता है कि ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट आपको मिली है, वहां पे बस एनालिसिस के लिए आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, लेट्स से कि उनको कस्टमर वाइज सेल्स को एनालिसिस करना है, कंपनी ने बस आपको वो बोला है कि हमें कस्टमर वाइज सेल्स को एनालिसिस करना है, लेकिन अगेन उस चीज के लिए अगेन कौन सा चार्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाउ यू रिप्रेजेंट मोर इन दैट, ये आपको सोचना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। चार्ट सिलेक्शंस, कलर सिलेक्शंस, ओनली कस्टमर वाइज सेल्स दिखा के बस आप उनको नहीं उनको देंगे तो बस वो वट एवर दे वॉन्ट यू गिव अस यू गिव देम, बट आप उसमें जैसे टूल टिप्स है, कस्टम टूल टिप्स है हमारे पास और मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, राइट, वो हम देखने वाले आगे, तो उनको यूज करके आप उसी चार्ट्स को और बेहतर बना सकते हो, राइट। कस्टमर को बस सेल्स वाइज एनालिसिस देखना है, बट उसके साथ आपने एडिशनली उसको कॉस्ट भी दिखाया है, प्रॉफिट भी दिखाया है उसमें उसी सेम चार्ट में, कुछ और एक्सटर्नल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किए, तो कस्टमर विल बी हैप्पी कि सेम सेम विजुअलाइजेशंस में उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, बहुत सारे इनसाइट्स मिल रहे हैं जो उसको पहले नहीं मिल रहे थे। सो दैट्स व्हाट आवर जॉब इज, ओके। सो मैं यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ बेस अपॉन माय एज ग्रुप कॉलम। सो फॉर दिस आई कैन यूज दिस ट्री मैप विजुअल, बिकॉज ट्री मैप विजुअल इज काइंड ऑफ अ विजुअल जिसमें मैं कंपेयर कर सकता हूँ अगेन साइड बाय साइड कि किस एज ग्रुप की ऑर्डर क्वांटिटी कम है, किस एज ग्रुप की ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है,
Again, in the tree map visuals, in this category sections, I can drag my age group, age in years, right? And I can do this order quantity, whatever the major my is, I'll put this in the values section. Okay, so this is kind of a visuals. Let me see. Okay, fine. ये visuals clumsy क्यों दिख रहा है? क्योंकि age जो column है हमारा, वो है decimal places में, right? If I see the column, age group, age in years, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? 76.01. तो comparison करने के लिए अभी वो decimal places को consider कर रहा है comparison करने के लिए, right? अगर मैं let's say compare करूँ 76 और 77 को, अगर मेरे पास दो वैल्यूज है, राइट, और मेरे पास दूसरी भी वैल्यू है 76.1 और दूसरी है 76.10, तो अगेन वो 76 को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा, मतलब 70 का जो एक ग्रुप बनना चाहिए था वो ग्रुप तीन ग्रुप में डिवाइड हो जाए, एक 70 का बनेगा, एक 70.1 का बनेगा, एक 70.10 का बनेगा। तो इसीलिए ये जो विजुअल्स बना वो ऐसे क्लमजी बना है कि आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात थी, मुझे ये जो फॉर्मेटिंग है ये सिंगल, जैसे राउंड अप करते हैं हम इसको, इसको राउंड अप कर लेते हैं। पावर बी आई डेस्कटॉप में राउंड अप हम पावर क्यूरी में कैसे करते राउंड अप? राउंड ऑप्शंस हमारे पास, राइट? तो पावर बी आई में भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, बस देखो यहाँ पे मैं कर कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ तो कितने डेसिमल प्लेसेस पे मुझे चाहिए वैल्यूज, यहाँ पे ऑटो है तो मैं अगर यहाँ पे जीरो कर दूं, ये काइंड ऑफ राउंडिंग हो जाएगा, राइट? डेसिमल प्लेसेस मैंने निकाल दिए। नाउ इफ आई सी द विजुअल्स, ठीक है, सो यहाँ पे अभी 60 के लिए मेरे पास 142 ऑर्डर क्वांटिटी है, और एज इन 56 के लिए मेरे पास 123 है, सम काइंड ऑफ एक इनपुट मुझे दे रहा है। अगेन इस पर्टिकुलर विजुअल्स पे आप फिल्ट्रेशंस लगा के, बिकॉज ये जो डेटा शो कर रहा है ये डेटा मुझे एक ओवरऑल आइडिया दे रहा है, राइट? मैं किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए या ईयर का फिल्ट्रेशन जैसे इस पे पुट करूंगा तो विजुअलाइजेशंस का जो ये जो जैसे मल्टीपल्स आपको स्क्वायर दिखा रहे हैं वो स्क्वायरिंग का साइज कम हो जाएगा या नंबर ऑफ स्क्वायर्स उसमें दिखना कम हो जाएंगे, ठीक है? तो लेट्स से मैं एनालिसिस के लिए मेरे पास जो मेजर से सॉरी जो स्लाइसेस क्रिएट किए मैंने वो स्लाइसेस यहाँ से मैं उसी रिपोर्ट्स में कॉपी करने वाला हूँ, मुझे सेम स्लाइसेस इसी रिपोर्ट में भी चाहिए, सो सिंपली आई कॉपी देम एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग डोंट सिंक इंडिविजुअल सिलेक्शन है, जैसे कि 16 मैंने सेलेक्ट किया, इफ आई सेलेक्ट मंथ से जनवरी मंथ सेलेक्ट किया, सी द दिस विजुअल्स गोइंग टू इंटरैक्ट इन अ गुड वे। अच्छा, मैंने कंट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री सेलेक्ट किया, अगेन दिस विजुअल्स शोइंग मी इन अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। If I wanted to interested in some category, let's say मैं accessories के लिए interested हूँ, तो accessories is not for the Australia, लेकिन bikes के लिए भी यहाँ पे this particular age group जो है 54 का, इसने दो ही order quantity की है, बाकी सब order quantity 11 के format में ही है। Okay, let me go to the transform once again and try to do the transformations in this column. Let's see ki how it will be showcasing the result. Okay, so we are in a customer dim. Let me round up, round down. Multiple columns we have. Okay, I think we have this column. Round करके कुछ होगा. Yeah, we already have this rounding.
need to do any transformations. So instead of this age in years, what I can do is I can I choose किस में भी राउंड डाउन में ले सकता हूँ या राउंड डाउन ले सकता हूँ राउंड अप नाउ इट विल शो मी बेटर रिजल्ट ओके नाउ इफ आई रिमूव दिस फिल्ट्रेशंस से दिस वन इंटरेस्टेड इन लेट्स से ऑल द कंट्रीज ऑल द कैटेगरीज Now this visual showcasing me this 58 जो age group है इनकी order quantity है 3264 but comparatively जैसे जैसे मैं age group में जैसे कि for example this 95 age group जिनका है वो एक basically 28 है now this age will be calculated based upon whatever the today's value right जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एज का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज भी चेंज होने वाली है क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग एज बेस्ड अपॉन टुडे डेटा सेट इज क्वाइट ओल्ड है प्लस उसमें जो कस्टमर्स की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो भी काफी ओल्ड है राइट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स आपको मिले जिनका जैसे कि दिस वन जिसका एज बता रहा है 107 इतना कोई तो कोई जीता नहीं है राइट और इतना जीके भी क्या ऑर्डर करेगा राइट फिर भी ऑर्डर क्वांटिटी कुछ दिखा रहा है राइट राइट तो मतलब 96 इयर्स का बंदा या 107 इयर्स का बंदा अभी उसके पास इतनी ताकत तो नहीं रहेगी ना कि वो एप्लीकेशन ओपन करके कुछ समझ के वहाँ पे ऑर्डर करे बट फिर भी किया है लोगों ने चाइना वगैरह के लोग ज्यादा जीते हैं ना हो सकता है कि डेटा उधर का हो फाइन सो दिस पर्टिकुलर चार्ट इज फॉर द एनालिसिस पर्पस किस ये एनालिसिस करने का मोटिव हमें पता चला राइट कि ऑर्डर क्वांटिटी किस एज ग्रुप की कितनी है इसका बेनिफिट कंपनी को कैसे होगा दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर विजुअल ओके फाइन नाउ अगेन लेट्स से मेरे पास कस्टमर्स का अगर मैं टेबल की बात करूं तो वहां पे मेरे पास जेंडर है राइट कस्टमर्स कैन बी अ मेल कैन बी अ फीमेल कैन बी बोथ राइट सो उनका एनालिसिस करने के लिए अगर मेरे पास जेंडर की जो मैंने पहले भी बोला कि जैसे हमारे पास पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट्स करके कुछ चार्ट राइट सो पाई चार्ट मतलब क्या एक होल सर्कल आएगा एंड डोनट मतलब उस सर्कल में बस एक होल आएगा इन शॉर्ट डोनट जैसे होता है राइट हम डोनट खाते हैं सो वैसे उसका शेप होता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोनट चार्ट पाई चार्ट इज लाइक अ पिज्जा राइट पिज्जा जैसे खाते हैं वैसे वो पाई चार्ट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पाई पिज्जा में भी जैसे हम कट करते हैं तो एक स्लाइस निकलता है ना वैसे सेम स्लाइस होते हैं पाई चार्ट्स में दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पाई चार्ट डोनट लाइक स्ट्रक्चर होता है डोनट्स का दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोनट चार्ट लेकिन पर्पस दोनों का सेम है लुक एंड फील थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है अगेन यू आर लेआउट के हिसाब से आपको जो विजुअल अच्छा दिखता है उस विजुअल्स को आप चूज कर सकते हो राइट सो लेट्स डू क्रिएट सम पाई चार्ट्स तो मैं पहले पाई चार्ट्स को सेलेक्ट करूंगा फॉर दिस पाई चार्ट्स आई एम इंटरेस्टेड इन डू द एनालिसिस कि कस्टमर के जेंडर वाइज मैं रेवेन्यू को एनालिसिस करना चाहता हूँ कि कौन से एज ग्रुप ने कितना रेवेन्यू दिया या मैं एज ग्रुप के हिसाब से ऑर्डर क्वांटिटी को भी एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन से एज ग्रुप ने कितनी ऑर्डर क्वांटिटी की है राइट सो मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करता हूँ जेंडर वी हैविंग अ कॉलम इन कस्टमर हेडिंग सो मैं लेजेंड्स में जेंडर को पुट करूंगा वी हैव थ्री जेंडर क्राइटेरिया एफ एम एंड एन ए राइट एंड अगेन आई विल ड्रैग दिस रेवेन्यू मेरा रेवेन्यू का जो कॉलम है उसको मैं वैल्यूज के सेक्शन में पुट करूंगा यहाँ पे So this particular visual, अगर मैंने इसको focus mode पे ले लिया, this particular visual showcasing में कि अगर female जो gender है, इनका यहाँ पे अगर मैं hover करता हूँ, तो this little pop-up आता है मेरे सामने, right? This is nothing but a tooltip. इसको tooltip बोला जाता है Power BI की language में. या normal भी एक tooltip एक technical word है, जो जिसका मतलब होता है उस particular point के regarding informations देना, right? कभी-कभी आप normally भी अगर ब्राउजिंग वेब ब्राउजर्स आपने ओपन किया किसी वेबसाइट पे आपने सर्च किया तो कभी कभी वहाँ पे होवर करने के बाद भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो करता है राइट कि दिस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे गाइडेंस भी होता है दिस इज नथिंग बट ऑल इज टूल टिप्स राइट तो पावर बी आई में भी ये दिस इज अ टूल टिप्स जो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि दिस इज जेंडर एम उसका टोटल रेवेन्यू कितना है एंड आउट ऑफ 100 मेरा टोटल अगर रेवेन्यू 100% है तो उस 100% में से इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कितना परसेंटेज है
ये इन्फॉर्मेशन ये अभी टूल टिप मुझे शो कर रहा है, राइट। इवन पाई चार्ट या डोनट चार्ट जब भी हम यूज करते हैं तो उनका काम क्या होता है, आउट ऑफ 100 सेग्रीगेशन करके शो करना कि हर एक कैटेगरी का कितना पार्ट है उसमें, राइट। लाइक ए स्लाइस कि मेल जो कैटेगरी है उनका परसेंटेज कितना है ओवरऑल 100% में, दिस फीमेल जेंडर का ओवरऑल परसेंटेज कितना है, एंड अगेन जो एनए है उनका परसेंटेज कितना है, 0.6% ओनली, बिकॉज मेल एंड फीमेल्स में रेवेन्यू का जनरेशन, या हो सकता है कि जो जिनका जेंडर्स अवेलेबल नहीं है वो कस्टमर्स बहुत कम हो, इसीलिए दैट्स व्हाई इट शो की 0.6% ओनली, कुछ ही कस्टमर्स हो, राइट। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स का जेंडर्स डिफाइन है, इसीलिए वो मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन शो कर, करेक्ट। अगेन पाई चार्ट्स में अगर मुझे आई एम नॉट हैप्पी विद दिस व्हाट एवर द डेटा लेबल्स इट इज शोइंग, मुझे यहाँ पे कौन से डेटा लेबल शो करने हैं, मतलब इन शॉर्ट अभी जो वैल्यू शो कर रहा है ये 0.19, मतलब उस पर्टिकुलर रेवेन्यू की अमाउंट मुझे शो कर रहा है कि 0.19 मिलियन वैल्यूज है रेवेन्यू की, एंड 0.6% उसका परसेंटेज है आउट ऑफ 100। अगर मुझे यहाँ पे टूल टिप में लेट्स से दिस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉर्मेट में जाऊंगा, अगर मैं दिस डेटा लेबल्स में अगर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ कि ये जो पोजीशंस है ये पोजीशंस मुझे इस चार्ट के आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, और जो लेबल मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है उस लेबल में अभी फिलहाल के लिए मुझे डेटा वैल्यू एंड परसेंट शो कर रहा है। आई वॉन्टेड टू शो द कैटेगरी ओनली, सो मैं कैटेगरी को शो कर सकता हूँ, आई वॉन्टेड टू शो कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू, तो कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू शो कर सकता हूँ। सो डिपेंड अपॉन माई रिक्वायरमेंट कि मुझे वहाँ पे क्या वैल्यू शो करना है, इफ आई से ऑल डेटा लेबल्स इन डिटेल्स तो कैटेगरी विद रेवेन्यू की अमाउंट विद परसेंटेज ऑल डिटेल्स इट कैन बी शोकेसिंग में, फाइन। सो अगेन वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी मुझे कलर इसका थोड़ा डल लगता है, सो आई विल जस्ट मेक इट अ डार्क वन, तो ताकि वैल्यूज थोड़ी डार्कली अवेलेबल दिख सके प्रॉपरली, मेक इट समथिंग बोल्ड एंड मेक इट सम लार्ज, राइट। इफ आई गो बैक, fine, let me reduce this little bit again, pie charts and ye jo visuals hote hain inko thoda space chahiye hota hai to showcase them properly, but agar space ka constraint hai aapke paas to us time pe aap suggest kar sakte ho customer ko, you can open this particular visuals in focus mode, okay, focus mode uska purpose ye hota hai ki aap focus mode isi liye use karo, fine. Now let me make it bigger, little bit bigger, fine. Now let's say एक पाई चार्ट तो हमने बना लिया, सेम पाई चार्ट आप ऑर्डर क्वांटिटी के लिए भी बना सकते हो। दूसरा मेरे पास एक कॉलम्स अवेलेबल है, जैसे वहां पे ऑक्यूपेशन है, राइट, कस्टमर का ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन की लेवल के हिसाब से भी आप ऑर्डर क्वांटिटी को सेग्रीगेट करके दिखा सकते हो कि किस ऑक्यूपेशन, मतलब व्हाटएवर द कस्टमर इज डूइंग उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके हिसाब से भी वो अपनी प्रोडक्ट चूज करता है, राइट। तो उसके हिसाब से भी एनालिसिस करके आप शो कर सकते हो। अगेन फॉर रीजन फॉर दिस इज आप इंडिविजुअली किसी एक ऑक्यूपेशन के ऊपर या उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के अंदर जितने कस्टमर्स आते हैं या उस क्राइटेरिया को कंसिडर करके अगेन आरएनडी कर सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का ऑर्डर क्वांटिटी कम है या सेल्स कम है, सो यू कैन डू अ रूट कॉज, राइट, बिकॉज अगेन द होल पर्पस फॉर दिस एनालिसिस इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, राइट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो ये कैसे होगा, जो वीक एरियाज है वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना और उसमें रूट कॉज करना, राइट। तो एक मेन चीज है कि जैसे कि मैं ऑर्डर क्वांटिटी पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी लेस हो वो मुझे कम प्रॉफिट दे, राइट। लेट से कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरे पास दो प्रोडक्ट है, लेट से प्रोडक्ट ए का प्राइस है लेट से 1 लाख रुपीज एंड प्रोडक्ट बी का प्राइस है लेट से 10 रुपए, ठीक है। प्रोडक्ट बी का जो सेल है लेट से उसका सेल है 10,000, ऑर्डर क्वांटिटी है उसकी प्रोडक्ट बी का जिसका प्राइस है 10 रुपीज, लेकिन प्रोडक्ट वन जो है जिसका प्राइस 1 लाख है उसका ऑर्डर क्वांटिटी है 10, राइट। सो वहां पे मैं अगर ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे एनालिसिस करूं तो प्रोडक्ट बी मुझे अब दिखेगा, ऑलवेज शो करेगा कि प्रोडक्ट बी की ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट ए की कम है,
बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंपेयर विद दिस एक्चुअल रेवेन्यू, मैं अगर प्रोडक्ट ए की बात करूँ तो उसकी प्राइस 1 लाख है, तो 1 लाख के हिसाब से अगर मैं 10 से उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 लाख का रेवेन्यू दिया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने। अगर मैं 10 रुपए की बात करूँ और 10,000 प्रोडक्ट की बात करूँ तो उसने मुझे 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, राइट? सो मैं अगर रेवेन्यू के बेसिस पे कंपेयर करूँ तो प्रोडक्ट वन ऑलवेज अप। तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर क्वांटिटी लेस हो इसका मतलब वो प्रोडक्ट बैड परफॉर्म कर, राइट? वो टोटली डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की आप प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट कितना आता है आपको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी मैटर करते हैं। वो सारी चीजें मैटर करने के बाद ही एनालिसिस हम करते हैं। राइट, सो लेट्स डू वन मोर थिंग ओवर हियर। जैसे हमने प्रीवियसली समरी के पेज में भी एनालिसिस किया था और हमने यहाँ पे टॉप का प्रोडक्ट शोकेस किया था, रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह शो, कुछ KPIs शो किए थे, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी मैं कुछ KPI शो करना चाहता हूँ। बेसिकली आई वांटेड टू सी कि ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसने मुझे हाईएस्ट सेल प्रोवाइड करके दिया है। आई ऑलवेज वांटेड टू सी दैट कस्टमर्स नेम, उस कस्टमर का नाम मुझे चाहिए, उस कस्टमर की सेल की वैल्यू मुझे चाहिए एंड उस कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी भी चाहिए। तीनों वैल्यूज मुझे चाहिए अलग अलग कार्ड के फॉर्मेट में, राइट? तो उसको कैसे करेंगे, लेट मी चूज अ कार्ड विजुअल फर्स्ट। मैं क्लिक करता हूँ कार्ड विजुअल के ऊपर, ओके? अगेन व्हाट वी नीड टू पुट ओवर हियर, इस कार्ड विजुअल में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, कस्टमर का फुल नेम, राइट? कि व्हाट, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शोकेस इन दैट पर्टिकुलर कार्ड विजुअल। सो मैं अगर कस्टमर का फुल नेम यहाँ पे डालता हूँ, उसको फुल नेम में डालने के लिए जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो वो क्या बोलेगा कि फर्स्ट फुल नेम, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कस्टमर का जो नाम है ये अगेन अ टेक्स्ट कॉलम, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होकर जो पहली वैल्यू आएगा वो मुझे रिजल्ट में देगा। बट आई डोंट वांट दिस, मुझे ये रिजल्ट किस पे बेसिस पे फिल्टर होना चाहिए, सेल्स के बेसिस पे फिल्टर होना चाहिए, राइट? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव दिस फिल्टर पेन, वी कैन अप्लाई सम विजुअल लेवल फिल्टर ऑन दिस पर्टिकुलर विजुअल्स, फिल्टर आउट दिस पर्टिकुलर नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड देन अप्लाई टॉप एन, राइट? तो उसके लिए अगेन दिस फुल नेम आई कैन ड्रैग ओवर हियर इन दिस एड डेटा फील्ड्स हियर फॉर द फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। विजुअल लेवल फिल्टरिंग पे फुल नेम को ऐड कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ बेसिक फिल्टरिंग मैं टॉप एन यूज कर रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड फॉर टॉप वन प्रोडक्ट या सॉरी टॉप वन कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। सो अगेन आई ड्रैग दिस रेवेन्यू टू द बाय वैल्यू सेक्शन एंड अप्लाई फिल्टर्स। सो अगेन ये मुझे बता रहा है कि मिसेस केट आनंद, दिस पर्टिकुलर कस्टमर हैविंग द हाईएस्ट रेवेन्यू, जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज केस आनंद। सो लेट्स डू सम फॉर्मेटिंग। सो मैं सिंपली इसका फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर सकता हूँ इस कार्ड का, मैं यहाँ पे वापस फॉर्मेटिंग करता हूँ इसको। कार्ड विजुअल को सेलेक्ट करेंगे, पहले तो इसका फॉन्ट कम कर लेंगे, राइट? कॉल आउट वैल्यू जो रहेगा वो फॉन्ट रहेगा, मैं यहाँ पे इसको फॉन्ट दे रहा हूँ 20 का। And I don't want this call-out label, sorry, category label जो नीचे आता है। I'm interested for titles, वो जो अपन titles upper होते हैं, labels नीचे आते हैं, right? So मैं general में जाके again titles को on करता हूँ। Titles by default off रहेगा for this card visuals, title को on करता हूँ। Whatever I wanted to type, let's say this is what, this is the top customers by revenue, right? So I can type top customers by revenue. So make it bold, increase some font, that's it. Select this, adjust it a little bit. Again, I go to this format options. I wanted this title should be in the center. Okay,
एंड मेक इट लेट्स से मुझे उसका इफेक्ट्स भी ऑन करना है, लेट्स से उसका बॉर्डर्स विजुअल्स का एंड शैडो मैंने ऑन कर दिया. दिस इज लुकिंग नाइस. Great. For this visual also on the shadow. Fine. So जैसे मैंने top customers by revenue निकाला, now I'm interested in for this particular customer की sale की value भी मुझे चाहिए and उसकी order quantity भी चाहिए. राइट. सो अगेन आई विल सिंपली क्या मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे इस कार्ड को, पेस्ट किया, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे मैंने उसको रख दिया. ठीक है. नाउ वी डू नॉट नीड टू चेंज द फिल्ट्रेशन, राइट, बिकॉज वी वॉन्टेड अ टॉप कस्टमर ओनली, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग कस्टमर नेम हम इंटरेस्टेड हमें जस्ट सेल्स की वैल्यू शो करनी है. सो सिंपली आई एम जस्ट ड्रैगिंग दिस टोटल रेवेन्यू ओवर हियर, तो मुझे वैल्यू शो करेगा समथिंग 14.014. Again, if you don't want to see in this manner ki uska formatting jo hai 14.01k dikh raha hai, I want to see actual value. So this can be in a call out value sections. Yahan pe iska labeling jo hoga, display unit jo hai wo auto hai. Let's make it null. So actual value show karega 14014.78, which is showing over here. अगेन इसका टाइटल जो है वो रहेगा टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू, सो इट इज नथिंग बट अ टॉप कस्टमर्स रेवेन्यू, राइट. बाय नाउ आई वांटेड टू अगेन शो लाइक मुझे यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को भी शो करना है, सो लेट मी शोकेस द ऑर्डर क्वांटिटी. सो गो टू दिस, remove this revenue and I'm showcasing total order quantity in this field section. So this particular customer ka total order quantity bhi mujhe wo show karega 19. And let me rename the title. This is the customer's order quantity. Fine. Nice. ठीक है. लेट्स क्रिएट वन मोर विजुअल्स. बेसिकली मुझे जो मेरा जो सेल है, मेरा जो रेवेन्यू है, मुझे एक्चुअली ओवरऑल एक मैप विजुअल पे उनको लोकेट करना, राइट. सो इन शॉर्ट मैं एक ग्लोबल मैप विजुअल्स लूंगा जो हमारे पास अवेलेबल है मैप विजुअल्स, तो मैं ग्लोबली शोकेस करूंगा मेरी अलग अलग कंट्रीज जिनको मैप करूंगा. एंड देन कंट्री वाइज मैं सेल वहां पे शो करूंगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. जिस कंट्री का सेल ज्यादा होगा उनका बबल्स बड़े होंगे, जिन कंट्री के सेल छोटे होंगे उनका बबल्स छोटा होगा, राइट. सो लेट्स से मैं एक नए पेज पे वो विजुअल्स आपको शोकेस करता हूँ. वी डोंट हैव स्पेस ओवर हियर, वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ मल्टीपल विजुअल्स. सो लेट मी इन द लास्ट पेज आई एम हैविंग दिस विजुअल्स, मैप विजुअल्स, राइट. Along with map visuals, we also have a shape map. This is a field map and this is the Azure map. We all total four visuals over here for the map purpose, right? General purpose के लिए this map visuals use किया जाता है. Again, customized requirement रहेगी. If you let's say कि कभी कभी हम देखते हैं कि हम इंडिया का मैप देखते हैं, right? इंडिया का मैप देखते हैं और इंडिया के मैप में हमारे जो स्टेट्स है, तो स्टेट्स अलग अलग कलर्स में हाईलाइट होते हैं, right? तो अगर वैसी कस्टमाइज नीड है, आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशंस का मैप दिखाना है, देन अगेन यू गो फॉर द शेप मैप. ओके, शेप मैप में जाके आप वैसे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, राइट. बट अगेन इट टोटली डिपेंड अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस यू डू. जैसे कि मैं स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे शो करना चाहता हूँ इंडिया की जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, तो इंडिया का मैप आएगा और मैप के बेसिस पे जैसे मैंने अगर महाराष्ट्र पे क्लिक किया तो महाराष्ट्र हाईलाइट हो जाएगा पूरा बॉर्डर्स के साथ. एंड लेट्स से कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ पॉपुलेशन का, तो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन दिखाएगा मुझे. या मुझे अगर ऐसा एनालिसिस करना है कि ऑल कंट्रीज, सॉरी जो ऑल मेरी स्टेट्स है, उन स्टेट्स का
मैं अगर कोविड केसेस का एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट, रिसेंटली कोविड केसेस का एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो अगर जिस कंट्री में ज़्यादा केसेस होंगी वो लेट्स से कि डार्क रेड कलर में शो करेंगे, जिन कंट्रीज जिन स्टेट में कम केसेस होंगे वो लाइट रेड कलर से शोकेस होंगे। मतलब बेस अपॉन मेरी केसेस, वो जो इंटेंसिटी है वो कलर रेड कलर की वो कम ज़्यादा होगी, जिसको बेसिकली बोला जाता है हीट मैप्स, राइट। हीट मैप्स मतलब क्या होता है, जो आपको इंटेंसिटी शो करता है किसी पर्टिकुलर रीजन में उस क्राइटेरिया की कितनी इंटेंसिटी है, राइट। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, लेट्स से कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस है कोविड की, तो रीजन जो है वो पूरा रेड कलर में शो करेगा। इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से दूसरा स्टेट, जैसे कि यूपी की बात करूँ, वहाँ पे लेट्स से केसेस कम है कंपेरेटिवली महाराष्ट्र, तो वो जो कलर है वो कलर डिस्टिंक्ट दिखेगा यूपी के लिए देन महाराष्ट्र। सो दिस इज काइंड ऑफ, वो एक ही कलर की इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर रहे हो एंड शोकेसिंग द स्ट्रेंथ बेसिकली केसेस एनालिसिस के लिए, या मैं पॉपुलेशन के लिए भी हम हीट मैप को यूज़ करते हैं कि किस रीजन की पॉपुलेशन कितनी है, राइट। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो स्ट्रेन इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाएगी, कम पॉपुलेशन है तो कम इंटेंसिटी दिखाएगा। सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस आल्सो वी कैन यूज, यू कैन डू ओवर हियर, राइट। तो लेट्स से मैं मैप विजुअल पे आपको कुछ एक शोकेस करता हूँ। लेट्स से मैंने मैप विजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बाय डिफॉल्ट। जैसे कि मैं अभी एक डमी ये टेम्पररी ईमेल से यहाँ पे लॉग इन किया हूँ, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा मैप विजुअल को शोकेस करने के लिए। लेट मी ट्राई। तो मैप विजुअल अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऑप्शंस में क्या दिखेगा, यहां पे दिखेगा लोकेशंस, देन आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, राइट। सो यू नो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स एवरीबॉडी। सो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, एक लाइंस हम बोल सकते हैं, हमारे मैप्स पे कुछ लाइंस होती है जिसको हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के लिए उनको यूज किया जाता है। अगर मुझे किसी लोकेशन की प्रिसाइज लोकेशंस मैप करनी है, किसी एरिया की, किसी पॉइंट की, एक पॉइंट मार्क करना है मुझे अगर मैप के ऊपर, तो मैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स को यूज करता हूँ, तो वो क्या होगा, एकदम प्रिसाइज मार्किंग होता है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे डेटा सेट में, मेरे डेटा में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स को है, मतलब जिस कंपनी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर उनके एनालिसिस में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स कैप्चर होते हैं, जैसे कि मैं एक कंपनी के लिए मैंने रिपोर्ट्स बनाया था, बेसिकली कंपनी थी सिंगापुर बेस्ड, वो बेसिकली सिंगापुर बस ट्रांसपोर्ट, बसेस होती है सिंगापुर की, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है गवर्नमेंट का, उनके बस सिस्टम कैसी होती है कि वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स कैप्चर करती है। जैसे कि बस का एक्सीडेंट हुआ तो वो उस बस का जो लोकेशन था वो लोकेशन क्या करता है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स को कैप्चर करता है, राइट। सो वी आर डूइंग ओवर ओवर की कस्ट, वो एक्सीडेंटल केसेस का एनालिसिस हमें करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स उनकी कंपनी के डेटा सेट्स में अवेलेबल था, हर एक केस का एक रो जनरेट होता है, उस रो में लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स भी इंक्लूड होते हैं कि ये एक्सीडेंट जो है वो कौन सी लोकेशन पे हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा डेटा आपके पास ऑलरेडी है, मतलब आपके डेटा सेट्स में वो डेटा प्रेजेंट है, लेकिन यू यूज लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स इन द मैप विजुअल्स, अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आपके लोकेशंस, जैसे कि आपके डेटा में, हमारे डेटा में टेरिटरी डिम है, वहाँ पे कंट्रीज के नाम है, तो आई कैन यूज सच अ कॉलम्स, मैं एड्रेस, एड्रेस के कॉलम, स्टेट के नाम, रीजन के नाम, पोस्ट कोड्स वगैरह जो चीज़ें जो एक लोकेशंस को डिफाइन करता है, राइट, एरिया कोड्स, सिटीज, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो सिटीज, स्टेट, विलेजेस के पिन कोड्स वगैरह, विलेज नेम, जो एक एरिया को डिफाइन करते हैं, ऐसे डेटा को भी आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू लोकेट इट, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्रीज के नाम है, तो वी कैन यूज दोज कंट्री नेम इन ऑर्डर टू शोकेस इन अ मैप विजुअल्स। देख, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर मुझे ऐसे नाम यूज करने हैं मेरे विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे पावर बी आई को बताना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर कॉलम्स बिलोंग्स टू अ कंट्री नेम। अभी पावर बी आई उस कॉलम को ट्रीट कैसे कर रहा है, उसके लिए बस वो एक कॉलम है जिसमें कुछ टेक्स्ट वैल्यूज स्टोर की हुई है। पावर बी आई को ये पता नहीं है कि दिस कॉलम्स, उसमें जो वैल्यूज स्टोर की हुई है वो किसी कंट्री का नाम है, ठीक है। नॉर्मली अगर वो यूनिक नाम नेम है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स एक ही है, राइट,
ऐसे नहीं बोल सकते ना कि इंडिया में एक और यूनाइटेड स्टेट्स है, इधर बाजू में यूनाइटेड स्टेट है, ऐसे नहीं, मल्टीपल यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक ही है राइट। अगर मैं कंट्री का जर्मनी नाम बोलूँ तो जर्मनी एक ही है, इंडिया एक ही है वर्ल्ड में। तो अगर ऐसे यूनिक नाम है राइट, तो उनके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं। बट हो सकता है कि जैसे कि हम बात करें किसी हमारे हमारे लोकल की बात करें, हम बोलते हैं शिवाजी चौक। तो अगर मैं हमारे पुणे के अंदर की बात करूं तो पुणे में कितने शिवाजी चौक होंगे राइट, बहुत ज्यादा शिवाजी चौक है राइट। या किसी पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कि उस नाम से मल्टीपल लोकेशन हो, तो उस टाइम पे तो कंफ्यूजन होना जाहिर सी बात है राइट। पावर बीआई को कैसे पता चलेगा कि किस लोकेशन के बारे में आप बात कर रहे हो एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी प्रिसाइज लोकेशन उसको प्रोवाइड करनी होती है। उसके लिए अलग अलग से वेज है, जैसे जैसे आप लर्न करोगे मैप विजुअल्स आगे, प्रैक्टिस करोगे मैप विजुअल्स पे, मल्टीपल सिनारियो सॉल्व करोगे, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे अडॉप्ट होगी ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस ध्यान में रखो कि अगर मेरे डेटा सेट्स में ऐसे कुछ कॉलम्स हैं जो लोकेलिटी को डिस्प्ले करते हैं, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को डिनोट करते हैं, जैसे कि कंट्री के नाम है या रीजन्स के नाम है, तो मैं उनको स्पेसिफाई कर सकता हूँ। कैसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, लेट मी सेलेक्ट टेरिटरी डीम फर्स्ट। टेरिटरी डीम का जो मेरा कंट्री का कॉलम है, मैं उस कंट्री कॉलम को क्लिक करूंगा तो कॉलम्स टूल ओपन होगा। यहाँ पे कॉलम्स टूल में मुझे वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि ये कंट्री का नाम है, इस कॉलम का नाम कंट्री है, उसका टेक्स्ट डेटा टाइप है, एंड अगेन फॉर्मेट जो इसका टेक्स्ट है। एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे देखो, डेटा कैटेगरी, ये अभी अनकैटेगराइज होता है, डिफॉल्ट ये अनकैटेगराइज ही होता है। मैं इसको कैटेगराइज अगर इसको ड्रॉप डाउन करूँ, देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर वैल्यूज जो उस कॉलम में असाइन की हुई वो क्या है। वो एक एड्रेस है, वो एक सिटी का नाम है, या एक स्टेट और प्रोविंस है, कंट्री है, काउंटी है, व्हाटएवर जो डेटा है, उसी डेटा के हिसाब से मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए, एंड उस कॉलम्स को अगर मैं मैप विजुअल में यूज करता हूँ, तो पावर बीआई को ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है कि व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर। आपको एनालिसिस में आपका मेन मोटिव क्या है, आपको हर एक कंट्री का पॉइंट आउट करना है ना वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो पावर बीआई को पता होना चाहिए कि जो उस कॉलम में जो वैल्यू स्टोर है, दिस इज नथिंग बट अ कंट्री नेम्स ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो कंट्री का ऑप्शन है मेरे पास, कंट्री, तो मैं कंट्री को सेलेक्ट करूंगा। नाउ ऑब्जर्व, जैसे मैं इसका कैटेगरी चेंज करूंगा ना, ये कंट्री पहले ऐसे नॉर्मल रेगुलर फॉर्मेट में दिखेगा, जैसे इसका ये डेटा कैटेगरी चेंज हो जाएगा, लेट्स सी, देखो यहाँ पे एक मैप जैसा एक सिंबल आया है जो डिफाइन करता है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन रिलेटेड डेटा है। ये डेटा लोकेलिटी रिलेटेड डेटा है, जिसमें लोकेशंस आती है। तो ऐसे डेटा को फिर मैं यहाँ पे इस लोकेशन फील्ड्स में यूज कर सकता हूँ। मैं कंट्री को यहाँ पे लोकेशन फील्ड में डालूंगा, सी मुझे एक एरर का मैसेज शूट करेगा। क्या एरर का मैसेज शूट करेगा, नॉर्मली जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो कभी कभी मैप विजुअल्स आपको ऐसा एक एरर शूट करता है कि aren't enable for your organizations, contact your tenant admin to fix this। ये किस लिए होता है, कंपनी कभी कभी पॉलिसीज रखती है या सिक्योरिटी रीजन पर्पस, उन्होंने कुछ साइट्स जो होती है, क्योंकि ये जो मैप विजुअल्स होते हैं ये बिंग मैप यूज करता है, तो एक एक्सटर्नल माइक्रोसॉफ्ट का ही बिंग मैप है, जैसे गूगल मैप है वैसे बिंग मैप है, तो बिंग मैप को यूज करता है ये फॉर लोकेशन पर्पज या वट एवर द मैप विजुअल्स या एनालाइज करने के लिए बिंग मैप को यूज करता है। तो हो सकता है कि उस कंपनी में उन साइट्स को उनको एक्सेस बंद करके रखा है, इसीलिए वो यहाँ पे मैप नहीं कर पा रहा है ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट। जैसे मैंने साइन आउट किया, सी यहाँ पे मुझे अभी वो शोकेस करना शुरू करेगा। जैसे मैंने कंट्री जो कॉलम है लोकेशंस की फील्ड में डाला, इसने मुझे क्या किया, वर्ल्ड मैप के ऊपर उन कंट्रीज को उसने मार्क कर लिया कि दिस इज कंट्री कनाडा, ये मेरा यूनाइटेड स्टेट्स है, दिस इज माय यूनाइटेड किंगडम, दिस इज फ्रांस, दिस इज माय जर्मनी एंड दिस इज माय ऑस्ट्रेलिया। कंट्रीज को मार्क कर लिया। नाउ नेक्स्ट टास्क इज मुझे यहाँ पे कंट्री वाइज मुझे सेल भी देखना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, अगर मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है तो आई कैन पुट ओवर हियर इन द लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सेक्शंस, बट अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स भी है
एंड मेरे पास कंट्री के नाम भी है, तो मैं दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकता। आइदर वे आई कैन यूज लोकेशंस या आइदर वे आई कैन यूज लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स। तो आपको दोनों यूज करना रहेगा, तो एक मैप में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड यूज करो, दूसरे मैप में लोकेशन यूज करो। ठीक है, बोथ ऑप्शन कैन नॉट, वी कैन नॉट पुट। तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स मेरे पास नहीं है, सो आई कैन यूज लोकेशन फील्ड एंड दिस बबल साइज इज देयर, बबल साइज। इस बबल साइज में लेट मी पुट अ रेवेन्यू। बबल साइज में जैसे मैंने रेवेन्यू पुट किया, नाउ सी एज पर रेवेन्यू की वैल्यू के हिसाब से ये जो बबल्स है उनकी साइज कम ज्यादा दिखती है, जो मुझे आइडेंटिफिकेशन या नोटिफिकेशन देते हैं, या मैं इनसे समझता हूँ कि लेट्स से दिस यूनाइटेड स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम रेवेन्यू एंड लेट्स से दिस पर्टिकुलर फ्रांस हैविंग लोएस्ट, दिस इज द लोएस्ट कंट्री कैनेडा। ठीक है, मैं इनके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, मैं कंट्री वाइज मेरी अगर स्पेसिफिक कलर कोडिंग है तो मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ। अगेन फॉर्मेट ऑप्शंस में यहाँ पे मैं बबल्स में जाऊँगा तो कलर्स में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, बबल्स की साइज जो है साइज भी कम ज़्यादा कर, जैसे मैंने थोड़ा बढ़ाया तो बबल्स थोड़े और बड़े दिखेंगे आपको। ओके, कलर जो है वो डिफॉल्ट दिस वन है, मैं अगर यहाँ पे शो ऑल क्रिया तो हर एक कंट्री के लिए मुझे यहाँ पे कलर दिखेगा। लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए दिस वन, आई मेक इट दिस फॉर यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया दिस, लेट्स से दिस वन फॉर यूनाइटेड किंगडम। यस यू कैन, यू कैन, लेट मी, सो ऐसे आप अलग अलग कलर दे सकते हो। जहां जहां पे आपको ये एफएक्स ऑप्शन दिखता है ना, यहाँ पे डिफॉल्ट के आगे देखो, यहाँ पे एफएक्स, दिस इज काइंड ऑफ अ कंडीशंस आप दे सकते हो। मतलब कंडीशन मतलब आप एक रूल सेट कर सकते हो, जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टाइम पे जैसे विंडो हमारे पास आती थी, राइट, वैसे इस एफएक्स पे क्लिक करूंगा मैं तो वैसे ही एक विंडो मेरे सामने आएगी, डिफॉल्ट कलर बबल्स कलर। तो यहाँ पे मैं रूल सेट करके अगर मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ कि कंट्री के लिए मुझे ये कलर देना है, तो ऐसी सेटिंग्स आप कर सकते हो। या मैं कोई मेजर्स एक बना के, एक अलग से फ्लैग बना के, उन फ्लैग्स को भी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। कि लेट्स से अगर मेरी कंट्री, लेट्स से मैं तीन कंट्रियों को एक कलर देना चाहता हूँ और दूसरी तीन कंट्रियों को अलग कलर देना चाहता हूँ, या मैं, हो सकता है कि मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ एक्सीडेंटल केसेस का, या मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ कि मेरी तीन कंट्रीज एक ग्रुप में रहेगी, तीन कंट्रीज दूसरे ग्रुप में रहेगी, एक ग्रुप मेरा जो एक एक कलर शो करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरा कलर शो करेगा। सो दैट काइंड ऑफ अ लॉजिक जो है वो आप बिल्ड कर सकते हो और उनको ऐसे इस डिफॉल्ट एफएक्स वाले बटन में पुट करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एनालिसिस के लिए तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर मैप विजुअल्स। अगेन let me, if I convert this map visual into this field map, let me showcase you. agar maine field map mein kiya to see yahan pe alag alag jo color coding maine diya tha to wo us color coding ko follow karte karte regions ko hi, matlab unko hi pura regions ko hi set kar dega, jaise ki canada belongs to north america region to wo regions ko hi usne highlight kar diya hai pura, jaise isne australia ko highlight kiya, this is belong to the france and all these things. ठीक है, जैसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ रीजन्स, फाइन। अगेन दिस अज्यूर मैप जो है वो अज्यूर मैप बेसिकली इसके लिए अलग से एक सब्सक्रिप्शन लगता है आपको। ठीक है, आपने ये देखा होगा ना, आप टीवी पे कभी कभी वेदर फॉरकास्टिंग देखते, राइट, तो वो एक नॉर्मली एक 3D व्यू दिखाते हैं रीजन्स का और एक वर्टिकली बार्स दिखाते हैं, राइट, या हम इलेक्शन का पोल देखते हैं, राइट, तो उसमें भी वो एक 3D व्यू में रीजन्स दिखाते हैं और रीजन्स वाइज ऐसे बार्स दिखाते हैं, वर्टिकली कॉलम्स दिखाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से एरिया का कितना वैल्यूज है। या सो दिस काइंड ऑफ विजुअली अपीलिंग थिंग्स कैन बी पॉसिबल इन दिस अज्यूर मैप्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, लेकिन अज्यूर मैप्स अगेन अगर मैं थोड़ा ड्रॉबैक के साइड बात करूं तो इसको लाइसेंसिंग थोड़ा चाहिए होता है, फ्री उसका कुछ लिमिट होता है। जैसे कि मैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स की बात करूं
तो मैं एक टाइम पे बस कुछ 30,000 पॉइंट्स से कुछ शोकेस कर सकता हूँ एट द टाइम। मैं पूरे मिले से मेरे पास 40,000 लोकेशंस के पॉइंट है, तो मैं 40 के 40 शो नहीं कर सकता उस मैप यूजर पे, वो मुझे डिफॉल्ट 30 शो करेगा, 30,000। सो काइंड ऑफ लिमिटेशंस आर देयर, बट उसकी अदर फंक्शनैलिटी जो है वो बेहतरीन है। विजुअलाइजेशंस और अपीलिंग हुए हैं वहाँ पे, ऑप्शंस जो है मैप विजुअल्स के अंदर वो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मोस्टली मैंने अजूर मैप ज़्यादा, मतलब मैंने एक्सप्लोर किया था इस पे, बट मैंने काम नहीं किया इस पे कभी, अजूर मैप के ऊपर इतना यूजफुल नहीं रहा मेरे लिए तो। ठीक है, तो मोस्टली ये मैप विजुअल्स, फील्ड मैप एंड शेप मैप्स, तीन मैप विजुअल ज़्यादा यूज होते हैं। यू कैन एक्सप्लोर ऑन दैट डिफरेंट यूट्यूब्स पे, आपको हर एक विजुअल्स के लिए, हर एक मैप विजुअल्स के लिए अलग से एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने हर एक ऑप्शंस जो है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाता है, यूज केस भी उन्होंने बताया कि व्हेन वी कैन यूज दिस मैप विजुअल्स, व्हेन कैन वी यूज शेप विजुअल्स, किस सिनेरियो के लिए। अगेन लेयरिंग एक पार्ट होता है, लेयरिंग इन द सेंस कि लेट्स से कि मैं एक ही मैप विजुअल के ऊपर मल्टीपल लेयर सेट करता हूँ। जैसे कि एक ही मैप विजुअल से मुझे वहाँ पे शोकेस करना है डेटा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के, महाराष्ट्र के स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मैप के हिसाब से बात करूँ तो मेरे पास रोड मैप के लिए अलग मैप होगा, राइट, रेलवे लाइंस के लिए अलग मैप होगा, राइट। तो हर एक यूज केस के लिए, हर एक उसको क्या बोलेंगे कि हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग मैप्स रेफर किए जाते हैं, राइट। अगर मैं रोड मैप एंड या मतलब रोड मैप, रोड व्यू के लिए एंड रेलवे लाइंस के लिए अगर दो मैप मेरे पास है, तो उन दो मैप्स को मैं एक दूसरे में मर्ज कर सकता हूँ, काइंड ऑफ अ लेयर, वन लेयर फॉर रोड मैप, वन लेयर फॉर रेलवे मैप। जब मैं रेलवे का एनालिसिस करूंगा तो वो रेलवे मैप को मुझे शोकेस करेगा, मैं ऑन द मैप विजुअल्स। जब मैं रोड्स के लिए एनालिसिस करूंगा तो रोड मैप को शो करेगा। सो काइंड ऑफ लेयरिंग ऑल्सो कैन बी पॉसिबल इन दिस अज्यूर मैप्स, राइट। एंड शेप मैप, फील मैप इज फॉर द पर्टिकुलर यूज केसेस के लिए, जैसे मुझे पर्टिकुलर, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली फॉर द इंडिया कंट्री, मुझे इंडिया का ही मैप, मुझे वर्ल्ड मैप की जरूरत नहीं है। मेरे सारी जो एनालिसिस है वो इंडिया की ही रिगार्डिंग है, डेटा इंडिया का ही शो करता है। सो मैप विजुअल में अननेसेसरी बाकी के कंट्रीज या बाकी के रीजन क्यों शो करूँ, राइट। अगर मैं इस विजुअल की बात करता हूँ, लेट मी गो टू द मैप विजुअल अगेन, तो बेसिकली डिफॉल्ट ये क्या करेगा, मुझे वर्ल्ड मैप शो करेगा, और वर्ल्ड मैप पे मैं कंट्रीज को डिनोट करता हूँ। अगर मैं मल्टीपल कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, देन वर्ल्ड मैप यूज करना बनता है, वो डिफॉल्ट वर्ल्ड मैप ही लेगा। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की ही बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं आई एम इंटरेस्टेड ओनली यूएसए, तो मैं यूएसए का ही मैप प्रेफर करूंगा एनालिसिस के लिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, राइट। अगर मैं, अगर मेरा, लेट्स से कि मेरा डेटा सिर्फ यूएसए के लिए है, अगर मैंने ये मैप यूजर यूज किया तो बाकी सब ये खाली दिखेगा, यूएसए के लिए बस वो यहाँ पे डेटा दिखाएगा, तो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा ना, विजुअल्स पूरा खाली दिखेगा आपका। अगर उसकी जगह पे मैं बस यूएसए का ही मैप ले लूँ सेपरेटली, और उस यूएसए के मैप के ही ऊपर एनालिसिस शो करूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज, डिफरेंट डिफरेंट रीजन वाइज, देन इट कैन बी मोर अपीलिंग एंड मोर इन्फॉर्मेटिव रादर देन दिस। ओके, सो दिस कैन बी डन इन शेप मैप। तो शेप मैप में आपको अलग अलग ऑनलाइन, जैसे कि हमें ऑनलाइन कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी होती है, अलग अलग मैप विजुअल्स के कुछ उसका एक फॉर्मेट आता है मैप विजुअल्स का, उस फॉर्मेट्स में वो फाइल आपको मिलती है, एंड आपको फिर वो एक्सटर्नली यहाँ पे पुल करनी होती है अंदर उस विजुअल के अंदर, कि दिस पर्टिकुलर, ये मेरा यूएसए का मैप है, तुम इसको रेफर करो एंड विजुअल बनाओ। तो वो उस हिसाब से विजुअल बनाता है उस यूएसए के, उस लेआउट को वो लेता है बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द मैप विजुअल्स, दिस इज फाइन है, दिस इज मैप विजुअल, दिस पर्टिकुलर मैप विजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है। यूज केस के हिसाब से आप मैप विजुअल्स को चूज करते हो एंड यूज करते हो, दैट्स व्हाट। ठीक है, और याद रखो बस हमारे पास कितने मैप विजुअल्स के टाइप है, एक मैप विजुअल्स है, एक शेप मैप है, एक फील्ड मैप है। अगेन शेप मैप एंड फील्ड मैप, शेप मैप काइंड ऑफ प्रीव्यू फीचर, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको तो आपको वो ऑन करना पड़ेगा प्रीव्यू फीचर से। कैसे करते हैं ऑन, जैसे मैं फाइल में अगर जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस, अगर पावर बीआई में कुछ अपडेट्स आते हैं तो पहले वो प्रीव्यू फीचर में जाते हैं, मतलब पहले
वो टेस्ट करते हैं कि ये फीचर जो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है वो किस हद तक लोगों को पसंद करते हैं या किस हद तक उसकी इफेक्टिवनेस है। अगर वो फीचर्स बाद में फिर ऑटोमेटिकली प्रीव्यू से वो डिफॉल्ट फीचर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट जब वो प्रीव्यू फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है कोई फीचर तो वो प्रीव्यू फीचर के अंदर चला जाता है। यहाँ पे ग्लोबल में अगर मैं प्रीव्यू फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे वो प्रीव्यू फीचर सारे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेप मैप रहेगा कहीं पे, दिस वन देखो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ है। मैं अगर इसको ऑन करूँ माइट बी इट इज आस्किंग मी फॉर रिस्टार्ट। ओके, तो जब मैं पावर बी आई को रिस्टार्ट कर इसको क्लोज करके वापस से ओपन करूंगा तो यहाँ पे वो शेप मैप का भी मुझे ऑप्शन दिखाएगा विजुअल्स में। ठीक है, फाइन। तो मैं पेज टू को नाम दे रहा हूँ, लेट्स से पेज टू को मैं नाम दे रहा हूँ फॉर कस्टमर एनालिसिस, एंड इस थर्ड मैप इसको नाम देता हूँ मैं मैप विजुअल्स, मैप बस मैप नाम दे रहा ठीक है। अगेन वी हैव सम स्पेस ओवर हियर, तो यहाँ पे मैं कुछ एनालिसिस के लिए पुट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लस्टर बार चार्ट लिया एंड इस क्लस्टर बार चार्ट में मैंने शोकेस किया लेट्स से ऑक्यूपेशंस, और माय वाई एक्सिस एंड माय लेट्स से रेवेन्यू और एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ऑक्यूपेशंस के हिसाब से टोटल रेवेन्यू शो करेगा मुझे, प्रोफेशनल्स स्किल्ड मैनेज क्लरिकल्स एंड मैन्युअल। लेट मी ऑन दिस डेटा लेबल्स, मैं डेटा लेबल्स को अगर ऑन करता हूँ तो ये मुझे वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है, सो काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू। लेट मी गो टू द जनरल ऑन द इफेक्ट, फाइन। सो दिस इज फाइन, इज आई थिंक इनफ, मोर देन इनफ। ओके, सो वी वी डेवलप सम रिपोर्ट्स, वी डू अवर एनालिसिस। ठीक है, वंस योर एनालिसिस इज कंप्लीटेड राइट बिफोर प्रोसीडिंग टू द पावर बी आई सर्विसेज, लेट्स अंडरस्टैंड मोर फीचर रिगार्डिंग दिस पावर बी आई डेस्कटॉप। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आप विजुअलाइजेशंस में विजुअल्स ऐड कर रहे हो, विजुअल्स बना रहे हो, कुछ अदर फंक्शनैलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज एंड अंडरस्टैंडिंग की नेक्स्ट फीचर क्या है। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास बुकमार्क्स एंड सिलेक्शंस पे। ठीक है, तो बुकमार्क्स क्या होता है, बुकमार्क्स काइंड ऑफ जैसे हम मोबाइल फोन्स में स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, अगर किसी चीज का हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया बाद में उस स्क्रीनशॉट को हम रेफर करते हैं कि जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीनशॉट में सेव करके रखी हुई। यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, बुकमार्क इज नथिंग बट आपका ये जो पेज है, जैसे कि मैं समरी पेज के ऊपर हूँ और इस पेज का मैंने अगर बुकमार्क बना दिया तो जिस टाइम पे मैं बुकमार्क बनाया उसका उस टाइम पे इस पेज की जो स्टेट रहेगी, स्टेट इन द सेंस उस टाइम पे जो फिल्ट्रेशन आपने लगा के रखा होगा राइट, वट एवर यू वट एवर दिस कंडीशन इज देयर स्टेट, इस स्टेट को वो कैप्चर कर लेगा लाइक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्क्रीनशॉट को हम एडिट नहीं कर सकते। लेट से कि मैंने इस पर्टिकुलर पेज का स्क्रीनशॉट लिया, हम यहाँ पे लैपटॉप से भी प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो एक स्क्रीनशॉट मिलता है राइट, बट उस स्क्रीनशॉट में मैं ईयर को चेंज नहीं कर सकता, 2016 का 15 नहीं कर सकता, या मंथ नेम चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्क्रीनशॉट कैन नॉट बी एडिटेबल या इंटरैक्टिव में कर सकते हो, लेकिन बुकमार्क्स कैन बी अ इंटरैक्टिव। वो जो स्टेट आप कैप्चर करते हो वो बस इस स्टेट को कैप्चर करेगा कि आपने ईयर 2016 सेलेक्ट करके रखा हुआ, लेकिन फिर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा वो कि 2015 भी सेलेक्ट करके कर देख सकते हो उसमें, आप 17 भी सेलेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट बुकमार्क का डेफिनेशन क्या है, बुकमार्क इज नथिंग बट इट कैप्चर द स्टेट ऑफ योर पेज। ठीक है, वो पेज की स्टेट को कैप्चर करता है, स्टोर करके रखता है एंड एज पर यूज केस हम उसको यूज करते हैं। तो थोड़ा आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कैसे यूज केस, यानी कैसा स्क्रीनशॉट जो आप बात कर रहे हो राइट,
तो लेट्स से मैं एक सिनारियो बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विजुअल है जिसमें इंफॉर्मेशन शो करता है बार चार्ट्स। एक विजुअल है लेट्स से कि मैंने कंट्री वाइज रेवेन्यू को मैंने शोकेस किया हुआ है, एंड सेम इंफॉर्मेशन मैं एक टेबल विजुअल में भी शो कर रहा हूँ। ठीक है, एक विजुअल में मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ, दूसरे विजुअल में मैं सेम इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में शो कर रहा हूँ। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मतलब क्लाइंट रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको एक बटन चाहिए वहां पे फॉर ग्राफ एंड टेबल। तो आपने दो बटन क्रिएट करके दिए उनको, अगर वो ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो विजुअल जो है वो आपको ग्राफ दिखाएगा, टेबल पे क्लिक करते हो तो विजुअल आपको टेबल दिखाएगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑटोमेशन। आपके रिपोर्ट्स में सिर्फ स्लाइसर्स एटोमाइज नहीं है, आप रिपोर्ट्स को इतना एटोमाइज कर सकते हो, उसमें मल्टीपल बटन्स प्रोवाइड कर सकते हो फॉर क्लिकिंग पर्पस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट? सो मैं एक विजुअल के नीचे व्हाटएवर जितने मल्टीपल विजुअल्स डाल सकता हूँ, क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमारे पास स्पेस का इश्यू होता है, राइट? क्योंकि कंस्ट्रेंट है, हमारे पास इतनी ही स्पेस है रिपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। एक रिपोर्ट में मैं कितने, एक पेज के ऊपर मैं कितने विजुअल रख सकता हूँ, 5-6 विजुअल रख सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकता, उतनी स्पेस ही नहीं है या दिखेगी नहीं वो विजुअल्स। आइडियल प्रैक्टिस बोलती है कि आप 5 या 6 ही विजुअल एक पेज पे दिखाओ इन ऑर्डर टू परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस का इश्यू कैसे आएगा, एक पेज पे लेट से आपने 15 विजुअल क्रिएट करके रखे, वो पेज लोड होने में टाइम लेगा, क्योंकि 15 विजुअल्स को उसको लोड करना है, तो परफॉर्मेंस का इश्यू आ सकता है। इसलिए एक पेज के ऊपर 5-6 विजुअल्स इज इनफ। अगर उस नहीं होता है देन यू कैन क्रिएट बुक मार्क्स, अगेन बुक मार्क्स ऑल्सो क्रिएट अ परफॉर्मेंस इश्यू, ज्यादा बुक अगर आपने वहां पे बुक मार्क्स क्रिएट किए हुए तो। बट काइंड ऑफ बुक मार्क्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है कि आप बुक मार्क्स को यूज करके इंस्टेड ऑफ कीपिंग दोज विजुअल सेपरेटली, आप एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करके रख सकते हो, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी सेम जगह पे वो आपको शो करेगा कि मुझे ग्राफ देखना है या टेबल देखना है। ठीक है, सो काइंड ऑफ यूज केसेस दिस फॉर बुक मार्क, अगेन मल्टीपल यूज केसेस आर देयर, सो लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर द बुक मार्क्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बुक मार्क्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, राइट? व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस, राइट? तो मैं पहले एक यहाँ पे लेट मी क्रिएट सम स्लाइसेस, डेफिनेटली मैं इसी स्लाइसेस को कॉपी कर रहा हूँ वहाँ पे, आप अलग से कोई भी स्लाइसेस ले सकते हैं। तो सिंपली मैं इन स्लाइसेस को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, इस पेज वन पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, डोंट वॉन्ट टू सिंक। ठीक है, इनको यहाँ पे मैं बस ऐसे अरेंज कर रहा हूँ एक दूसरे के नीचे, ठीक है। नाउ लेट मी इंसर्ट सम ब्लैंकेट्स, या एक शेप, कोई भी एक अनयूजुअल शेप है, तो इंसर्ट्स ऑप्शंस में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे देखो मेरे पास शेप्स है, मैं एक रेक्टेंगुलर शेप ले रहा हूँ, ठीक है, इस शेप को मैं इस विजुअल्स के ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे कंसिडर करो कि दिस, ये दिस काइंड ऑफ, दिस इज नथिंग बट लाइक अ ब्लैंकेट, राइट? नॉर्मली ब्लैंकेट जो होता है बेड के ऊपर होता है, राइट? तो वट एवर अंडरनीथ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे जो है वो दिखेगा नहीं जब तक ब्लैंकेट आप रिमूव नहीं करेंगे। तो ये जो विजुअल्स है, ये विजुअल्स के ऊपर मैं इनको इस शेप को रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये ब्लैंकेट हुआ और ये इसके नीचे चले गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये विजुअल्स एक दूसरे के नीचे है, अभी बीनीथ है, एक विजुअल्स दूसरे विजुअल्स के ऊपर है अभी, ठीक है, मतलब ओवरलैप है विजुअल्स अभी। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक टेबल विजुअल ले रहा हूँ मैं, लेट मी कॉपी दिस विजुअल्स एंड पेस्ट इट। आप कोई भी विजुअल बना सकते हो, मेरे पास रेडीमेड है बना हुआ तो मैं वही ले रहा हूँ। ऐसे कंसिडर करो कि दिस इज काइंड ऑफ, मैं बस एक मेरा रिपोर्ट है जिसमें मैंने ऐसा रिपोर्टिंग बनाया हुआ, ठीक है, तो इस पेज में मेरे पास एक विजुअल है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ब्लैंकेट है प्लस कुछ स्लाइसर्स, ठीक है। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, बेसिकली दो बटन्स चाहिए, इन दो बटन्स को मैं प्रेस करूंगा, पहला बटन होगा हाइड फिल्टर्स, सेकंड बटन होगा शो फिल्टर्स। जब जब मैं हाइड फिल्टर को प्रेस करूंगा, जो ये मुझे फिल्टर्स दिख रहे हैं,
ये गायब हो जाएंगे। अगर मैंने शो फिल्टर किया, फिल्टर्स वापस दिखेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या करना है? ठीक है, नाउ सबसे पहले जब बुकमार्क्स हम बनाने की ट्राई करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे या बनाएंगे, उसके पहले पिक्चर में आता है सिलेक्शन पे। ठीक है, मैं यहाँ पे व्यू में गया, जहां पे मेरा फिल्टर्स है उसके साइड में देखो यहाँ पे सिलेक्शन पेन है। ठीक है, अभी ये बुकमार्क्स अभी अनहाइड पोजीशंस में, मतलब ये ग्रेड आउट है। मैं सिलेक्शन पेन को ओपन कर रहा हूँ। सिलेक्शन पेन का काम क्या होता है, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने विजुअल्स आपने बनाए उनकी एक लिस्ट आपको देगा। ठीक है, जैसे कि ये शेप विजुअल, अभी एक शेप मैंने लिया था, तो यहाँ पे देखो ये शेप सेलेक्टेड है, जो विजुअल सेलेक्ट होगा यहाँ पे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये कौन सा विजुअल। अगर मैंने ये मैट्रिक्स विजुअल सेलेक्ट किया, देखो ये टेबल के ऊपर गया कि ये दिस इज टेबल विजुअल। तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम क्या कर ले, हम पर्टिकुलर पेज के ऊपर के जितने विजुअल्स है उनको रीनेम कर ले, यहाँ पे रीनेम इन द सेंस की मार्क कर ले। हमें पता होना चाहिए कि दिस टेबल बिलोंग्स टू दिस, ये शेप जो बोल रहा है कि ये शेप क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिस शेप मतलब बट दिस वन। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ही टेबल है, सो आई विल कीप दिस एज अ टेबल। ये शेप को मैं रीनेम कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ब्लैंकेट, ताकि मुझे पता चले कि ब्लैंकेट मीन्स दिस वन। ठीक है, अगेन यहाँ पे मेरे पास चार स्लाइसर है, तो कौन सा स्लाइसर किसका है, ईयर का कौन सा है, मंथ का कौन सा है, ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? तो मैं अगर पहले स्लाइसर को सिलेक्ट किया, तो दिस इज माई कैटेगरी नेम, राइट? तो मैं यहाँ पे स्लाइसर्स के आगे इस पर नॉर्मली डबल क्लिक करके भी मैं रिनेम कर सकता हूँ इसको, सिंपली से कैटेगरी, दिस इज फॉर कैटेगरी स्लाइसर्स, दिस इज माई कंट्री स्लाइसर्स, अगेन दिस इज माई आई थिंक मंथ स्लाइसर्स, मंथ नेम, सो सिंपली से month, and let's say this is my year. ठीक है, हमने identify कर लिया सारे visuals को, उसको rename कर लिया यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा visual किस नाम से है, कहाँ पे है। Now अभी ये जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट की पोजीशन कहाँ पे है, इन स्लाइसर्स के ऊपर है। मुझे ब्लैंकेट की पोजीशन चेंज करनी है, स्लाइसर्स जो अंदर दबे हुए हैं उनको ब्लैंकेट के ऊपर लेके आना है। तो मैं ब्लैंकेट को क्या करूंगा, यहां से ड्रैग करूंगा नीचे लेके जाऊंगा। देखो ब्लैंकेट पीछे चला गया, अब स्लाइसर्स ऊपर आ गए। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, विजुअल्स कौन सा विजुअल आपको पहले देखना है, इसकी इसकी मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी नेम का जो स्लाइसर है, ये मुझे ब्लैंकेट के पीछे चाहिए, मुझे ऊपर बस तीन स्लाइसर दिखाने हैं। तो मैं ये ब्लैंकेट को कहाँ पे डाल दूंगा, जैसे कि ये कैटेगरी का स्लाइसर्स यहाँ पे, राइट? तो कैटेगरी के स्लाइसर्स को पहले तो मैं नीचे लेके आऊंगा और ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, सो अभी नाउ मुझे कैटेगरी नेम जो है ऊपर चाहिए, तो चारों स्लाइसेस को मैं ऊपर लेके आया हूँ। ये अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, सिलेक्शन पेन में ऐसे हम विजुअल्स को मैप कर सकते हैं कि कौन सा विजुअल्स, अगर मल्टीपल विजुअल्स ओवरलैप है तो कौन सा विजुअल्स मुझे पहले शो करना है, कौन सा बाद में शो करना है, वो मैपिंग आपको यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ मुझे दो बटन्स भी चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, मुझे बटन्स भी चाहिए। सो मैं बटन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, इंसर्ट में जाके मेरे पास बटन्स नाम का एक ऑप्शन भी है, राइट? यहाँ पे कुछ रेडीमेड बटन्स मुझे मिलेंगे। मैं शेप विजुअल को यूज करके भी बटन क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे, मैं शेप विजुअल में गया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आप कोई भी शेप ले सकते हो, पिल ले सकते हो, व्हाटएवर। इस शेप को लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया। ठीक है, एंड इसकी स्टाइल में जाके जैसे कलर मैंने इसका चेंज करके, एग्जाम्पल मैंने रखा Like say this one. Okay. And इसका जो अंदर इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हो, आपको टेक्स्ट जाके ऑन करना पड़ेगा। इसका टेक्स्ट को अंदर मुझे क्या लिखना है इसका, लेट्स से कि दिस इज माई शो फिल्टर बटन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शो फिल्टर।
ठीक है, मैं बस एक पहले लेआउट बना के ले रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे दो बटन चाहिए होते तो बटन क्रिएट कर रहा हूँ, अभी तक ये बटन नहीं है, बस एक शेप है बस। ठीक है, मैंने शो फिल्टर का बटन बना दिया। इसकी शेडो ऑन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक इफेक्टिव दिखे ये। दिस इज माई शो फिल्टर बटन। ठीक है, इस बटन को मैंने क्या किया, कॉपी किया, इसके साइड में बना दिया। मुझे दूसरा भी बटन चाहिए था ना, तो मैं दूसरा बटन भी इसी को कॉपी करके किया, बट दिस इज माई हाइड फिल्टर बटन। सो अगेन मैं स्टाइल में गया, इसका कलर जो है, लेट्स से मैंने इसको ऑरेंज रख दिया। बेसिकली आप यहाँ पे कलर को बना भी सकते हो। कैसे बनाएंगे, ये मोर कलर्स दिख रहा है, इस मोर कलर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पेन मिलेगा। जैसे मैं अभी, मुझे ऑरेंज चाहिए तो मैं ऑरेंज को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास अभी दो बटन है, शो फिल्टर का, एक हाइड फिल्टर का। लेट मी रीनेम दिस, दिस इज माय हाइड फिल्टर बटन। सो इन द टेक्स्ट आई कैन सी दिस इज माय हाइड फिल्टर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हाँ, मेरे पास दो बटन है, शो फिल्टर्स एंड हाइट फिल्टर। अभी ऐसे इमेजिन करो कि जब मैं शो फिल्टर को प्रेस करता हूं, राइट, शो फिल्टर को मैंने प्रेस किया, उस टाइम पे यहां पे स्क्रीन पे विजुअल्स किस फॉर्म में होंगे। मतलब लेट्स से मैं शो फिल्टर को जब प्रेस करता हूं तो यहां पे ये फिल्ट्रेशंस नहीं होगा, मतलब ये स्लाइसर्स हाइड होंगे। स्क्रीन पे मुझे क्या दिख रहा होगा उस टाइम पे, बस ये टेबल विजुअल दिख रहा होगा, ये एंड ये स्लाइसर्स गायब होंगे। इसलिए तो शो फिल्टर का बटन प्रेस करके इनको वापस लाना पड़ेगा मुझे। ये समझ रहे, इमेजिन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, ठीक है ना। तो शो फिल्टर के बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो आइडियली सिचुएशन स्टेट क्या होगी स्क्रीन के ऊपर, ये ब्लैंकेट, ये स्लाइसर्स एंड ये हाइड फिल्टर का बटन, ये हाइड होगा स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, आपको फिल्टर्स को लाना है, इसलिए तो आप शो फिल्टर के बटन को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेट को लाने के लिए मैं सिलेक्शन पेन का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, अगर शो फिल्टर का बटन मुझे दिख रहा है उस टाइम पे, ये ब्लैंकेट, ये स्लाइसर्स एंड ये हाइड फिल्टर का बटन नहीं दिखेगा, तो मैं उनको हाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो शेप मैंने दो लाए बटन के लिए, दो शेप्स क्रिएट किए ना, इनको रिनेम कर देते कि दिस शेप्स इज फॉर व्हाट। ये जो मैंने शो फिल्टर का शेप बनाया है इसको रिनेम कर देते हैं, दिस इज माय शो बटन, शो फिल्टर बटन। एंड ये ऊपर वाला जो है वो है मेरा हाइड फिल्टर का बटन, हाइड फिल्टर बटन। ठीक है, नाउ जब शो फिल्टर का बटन मेरा सिलेक्शन, मतलब मैं सेलेक्ट करूंगा इसको या क्लिक करूंगा, उस टाइम पे ये सब हाइड होगा, तो मैं इनको हाइड कर रहा हूँ। हाइड कैसे करेंगे, देखो आई का सिंबल दिख रहा है, इस टाइम पे ये ब्लैंकेट हाइड होगा, स्लाइसर्स हाइड होंगे, और ये हाइड फिल्टर का बटन भी हाइड होगा। तो अभी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा ये स्टेट जब मैं शो फिल्टर का बटन प्रेस करूंगा तब होगी। समझ में आ रहा है, बराबर ना? अभी थोड़ा और कंफ्यूजन ऐड करते, ठीक है। तो शो फिल्टर का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो बेसिकली दिस दिस स्टेट जो है ये क्या स्टेट होगी, उस टाइम पे मेरे फिल्टर्स हाइड होंगे। ठीक है, तो इस बुकमार्क को मैं कैप्चर करने वाला हूँ। कैसे कैप्चर करेंगे, इफ आई गो टू द व्यू सेक्शंस, चेक विद द सेटिंग्स, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। पुट सेटिंग,
must needs to be showcase. मतलब हाँ तो प्रीव्यू में आते हैं ना वो, आप आपकी जो पावर बी आई की फाइल होगी जब आप लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करते हो ना, और वो मंथली अपडेट होता है ऑटोमेटिकली, तो जो प्रीव्यू में आते हैं, इसलिए तो मैंने बोला ना कि मंथली अपडेट होना पड़ता है हमें कि कौन से नए फीचर आए हैं। तो जो नए फीचर आए होंगे वो प्रीव्यू फीचर में जाते हैं, उनको ऑन करना पड़ता है, वी कैन यूटिलाइज दम। ठीक है, तो लेट मी सॉर्टेड दिस आउट फर्स्ट कि व्हाई दिस इज बुकमार्क इज नॉट शोकेसिंग ओवर हियर। ये बेसिकली हमारा पावर बी आई का कम्युनिटी होता है, राइट? तो जब आपके पास आप कंपनी ज्वाइन करते हो, तो माय सजेशन इज, रिकमेंडेशन इज, आप अपना जो एक अकाउंट है, आप कंपनी के लॉगिन से हो तो कंपनी के लॉगिन से यहाँ पे एक रजिस्टर कर लो खुद को। तो जो भी इश्यूज रहेंगे आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। लेट्स से कि आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आप किसी इशू में फंसे हुए, तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके कि दिस इज द इशू, मैं यहाँ पे स्टक हो गया, आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया आपने, तो जो सुपर यूजर्स होते हैं पावर बी आई के, माइट बी दे फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट और माइट बी दे फ्रॉम द डिफरेंट कंपनी, सो दे कैन हेल्प अस, हेल्प यू ओवर हियर। वो आपको यहाँ पे आपके पोस्ट के ऊपर रिप्लाई करेंगे, सॉल्यूशंस उसके ऊपर अगर कुछ रहेगा वो सजेस्ट करेंगे। बेसिकली ये मुझे हेल्पफुल कब हुआ था, जैसे कि मेरी प्रीवियस कंपनी में जो हम एनालिसिस करना चाहते थे, राइट? सो एनालिसिस के टाइम पे बेसिकली जो मैंने आपको बताया मैप विजुअल्स, राइट? तो मैप विजुअल्स में एक ऑप्शन आता है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स का, जो मैंने आपको शो किया। लेट्स से वी हैव 50 पॉइंट्स, 50 लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स पॉइंट्स। उन 50 पॉइंट्स को जब मैं रेगुलर मैप विजुअल्स करके मैप करता हूँ तो मेरे को 50 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, मैप के ऊपर। लेकिन अगर मुझे जूम इन एंड जूम आउट, जैसे हम नॉर्मल मैप विजुअल देखते हैं, राइट, हम मैप यूज करते हैं, तो उसमें जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। तो कंपनी को चाहिए था कि अगर मैं जूम इन करूँ तो जो 50 पॉइंट्स है वो मुझे अलग अलग दिखे, लेकिन जैसे मैं जूम आउट करूँ तो उनका कंबाइनली एक सेट बनना चाहिए जो मुझे 50 शो करे। समझ गए? मतलब जूम इन जूम आउट जब होता है तो डेटा का जो क्लस्टरिंग होता है वो क्लस्टरिंग चेंज होना चाहिए। जब मैंने जूम इन किया, मैं डीप डाइव गया, तो मुझे इंडिविजुअल पॉइंट्स दिखाओ, जब मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो मुझे क्लस्टर करके दिखाओ। ठीक है, सो ये रिक्वायरमेंट डिफॉल्ट विजुअल्स में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें कस्टम विजुअल्स यूज करने होते हैं। सो व्हाट आई कैन डू, मैंने क्या किया, फैब्रिक कम्युनिटी पे वो क्वेश्चन डाला कि एसएससी रिक्वायरमेंट है, देन आई गॉट द सजेशन दैट वी कैन यूज दिस कस्टम चार्ट्स, लाइक अ जूम चार्ट्स। जूम चार्ट्स एक एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो
जो चार्ट्स बनाती है, विजुअल्स बनाती है पावर बीआई के लिए, तो उनका एक कस्टम विजुअल्स है मैप प्रो करके जूम चार्ट्स का, जिसमें ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है। सो मुझे वहाँ यहाँ से कम्युनिटी से वो लिंक मिला कि वी कैन यूज दोज कस्टम विजुअल्स, राइट। ऑल्सो कम्युनिटी गिव्स यू सम काइंड ऑफ लर्निंग पाथ ऑल्सो, राइट, क्योंकि आप सिंपली ये नहीं बोल सकते, लेट्स से कि मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ, राइट, तो क्लाइंट को जब मैं ये बता रहा हूँ कि दिस फंक्शनलिटी इज नॉट अवेलेबल इन पावर बी आई, ये जो मांग रहे हो ये फंक्शनलिटी पावर बी आई में नहीं है, आपको एक कस्टम विजुअल्स यूज करना पड़ेगा जिसका चार्ज समथिंग रहेगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा मंथली बेसिस या वट एवर द जो उनका बिलिंग साइकिल होगा उस कस्टम विजुअल्स प्रोवाइडर का, आपको बेयर करना, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हाट जो अग्रीमेंट हुआ था आपके और उस क्लाइंट के बीच में, मतलब आपकी कंपनी और क्लाइंट के बीच में, वहां पे ये डिफाइन नहीं था ना कि आपको कस्टम विजुअल्स यूज करना पड़ेगा और उसका एक कॉस्ट अलग से आएगा, ये तो अभी आप बता रहे हो। तो ये सारी चीजें फिर मैटर करती है इन आकर आके कि आपको फिर वहां पे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, एज अ डेवलपर आपको प्रूफ देना पड़ता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल इन पावर बी आई, वी नीड टू यूज कस्टम विजुअल्स। सो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स प्रोवाइड करने होते हैं, फैब्रिक कम्युनिटी के मेल्स के स्क्रीनशॉट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं एज अ प्रूफ दैट यू डू R&D ऑन दिस एंड दिस इज द आउटकम, दैट्स व्हाई वी सजेस्टिंग, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर भी जब भी आप काम करोगे तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा प्रूफ्स, क्योंकि आपका मैनेजर सिंपली नहीं बोलेगा कि आप बोल रहे हो कि नहीं कस्टम विजुअल्स यूज करेगा तो हाँ ठीक है कर लेंगे, नहीं, मैनेजर आपको बोलेगा कि व्हाट इज द प्रूफ फॉर दिस, मुझे ये शोकेस करो कि ये पॉसिबल नहीं है पावर बीआई में, हमें कस्टम विजुअल्स ही यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड हो रहा है, राइट। सो दिस कैन बी डन, लेट मी सी ओवर हियर कि उन्होंने बुकमार्क का ऑप्शन दी, सी अनेबल टू सेलेक्ट बुकमार्क्स फ्रॉम द व्यूअर बैनर, मतलब अगर हो सकता है कि जो सेम प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो समबडी ऑलरेडी फेस्ड इट, उसने यहाँ पे ऑलरेडी वो क्वेश्चन डाला था, उसको सॉल्यूशंस में भी मिला है रिप्लाई की आए हुए, तो आप सेम सॉल्यूशंस भी ले सकते हो, राइट, अंडरस्टैंड हो रहा है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जैसे हमारा जो सिनेरियो है सेम सिनेरियो देखो इसका भी है, यहाँ पे उसको बुकमार्क का जो ऑप्शन है वो ग्रेड आउट दिख रहा है जैसे हमें दिख रहा था, सो लेट्स सी कि इनको क्या रिवर्ट आए हुए। ये बोल रहा है कि आई हैड द सेम इशू, आई वाज एबल टू फिक्स इट बाय रिस्टार्टिंग पावर बीआई डेस्कटॉप, डिड यू फिगर इट आउट, अनफॉर्चुनेटली नॉट बट समहाउ इट रिजॉल्व इटसेल्फ, यस आई हैव बिकॉज द विजुअल ब्लूटूथ कॉन्फिडेबिलिटी, चाहिए वेट कर लो, जस्ट ओपनिंग दिस पावर बीआई फाइल है। बुकमार्क्स जो है इनिशियली थोड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार आपने एक दो बार उस पर प्रैक्टिस किया कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो कि बुकमार्क के केस में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि व्हाट इज द स्टेट, ये बटन प्रेस करने के बाद आपको स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है, आपको इमेजिन करके वो विजुअल्स को हाइड करना होता है। लेट मी सी अगेन इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, सी नाउ इट इज अवेलेबल बुकमार्क्स, ओके। सो वेरेवर अपन ने क्या किया, अभी सिलेक्शन पेन को ओपन करके जो स्टेट हमें चाहिए थी उस स्टेट यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। नाउ टाइम टू क्रिएट अ बुकमार्क, तो बुकमार्क क्रिएशन के लिए मैं बुकमार्क्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक और पेन ऐड जाएगा और यहाँ पे एक ऐड बटन आ जाएगा, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ ये बुकमार्क वन क्रिएट हुआ, उसने ये स्टेप कैप्चर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। इस बुकमार्क वन को मैं नाम दूंगा, क्या नाम देंगे इसको, हाइड। देखो ये अगेन कंफ्यूजन है, वी आर
वी आर, हम क्या कर रहे थे, शो फिल्टर के बटन को प्रेस करने के बाद स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो कैप्चर हमने कर लिया था, लेकिन स्क्रीन पे क्या है अभी, सिचुएशन क्या है, हाइड फिल्टर है ना इस टाइम पे, फिल्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो फिल्टर हाइड है, मतलब हाइड फिल्टर का बुकमार्क हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्टेट, जब मैं शो फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, वो ब्लैंकेट दिखेगा, स्लाइसर दिखेंगे ना, तो वापिस उनको मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, जो जो मुझे चाहिए वो ऑन कर रहा हूँ, ये सब चाहिए, लेकिन शो फिल्टर पे क्लिक करने के बाद शो फिल्टर का बटन तो निकल जाएगा, वो हाइड होना चाहिए और हाइड फिल्टर का बटन आना चाहिए, अभी समझ में आ रहा है ना, तो हाइड फिल्टर का बटन को मैं ऑन कर रहा हूँ, शो फिल्टर के बटन को हाइड कर रहा हूँ। अभी ये जो स्टेट है, ये स्टेट किस लिए होगी, ये स्टेट किस लिए होगी, जब मैं हाइड फिल्टर पे क्लिक करने वाला हूँ, मतलब हाइड फिल्टर मुझे दिख रहा है उस टाइम पे, तो फिल्टर मुझे दिख रहे होंगे ना, तभी तो हाइड करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये जो स्टेट रहेगी वो शो फिल्टर के लिए रहेगी। अगेन आई क्लिक ऑन दिस एड, बुकमार्क टू क्रिएट हुआ, इसको नाम देंगे शो फिल्टर, समझ में आया। नाउ लेट्स चेक, हमने जो स्टेट कैप्चर की थी वो कैसी है, अगर मैं हाइड फिल्टर पे क्लिक किया, देखो ये बुकमार्क के ऊपर, देखो ये स्टेप जो हमने कैप्चर किया था ये है, मतलब फिल्टर हाइड है, शो फिल्टर के केस में मुझे फिल्टर दिख रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टास्क इज, अभी मुझे इन बटन्स जो मैंने क्रिएट किए ना, इनको एक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी बुकमार्क को मिनिमाइज कर रहा हूँ, सिलेक्शन पेन को भी मिनिमाइज कर रहा हूँ, वी नॉट नीडेड इट, ठीक है। अभी इसके लिए मैं, अगर मैं हाइड फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक किया, इस बटन को मैंने सेलेक्ट किया, देखो इस शेप की एक एक्शन होती है, एक्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसको मैंने ऑन कर दिया, एक्शन में मैं जाऊंगा, टाइप में दूंगा मुझे बुकमार्क चाहिए, मुझे बोलेगा कि लिस्ट में से सेलेक्ट करो कौन सा बुकमार्क आपको इस बटन के लिए असाइन करना है। अगर मैं हाइड पे क्लिक करूं तो फिल्टर्स निकल जाने चाहिए, मतलब हाइड फिल्टर का जो बुकमार्क है वो दिखना चाहिए हमें, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी, जैसे मैंने इसको एक्शन असाइन किया, नाउ इफ आई होवरिंग ऑन दिस, देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक, पहले नहीं आ रहा था ऐसे, जब आपने उसको एक्शन ऑन कर दिया, एक्शन असाइन कर दिया, नाउ दिस शेप कन्वर्ट्स इनटू बटन, ये बटन में कन्वर्ट हो गया। जब मैं पावर बी आई डेस्कटॉप पे हूं, तब मुझे कंट्रोल प्रेस करके बटन्स को प्रेस करना होता है, जैसे ये रिपोर्ट्स में पावर बी आई सर्विसेस में पब्लिश करता हूं, वहां पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं, आप सिंगल क्लिक से ऑपरेट कर सकते हैं, और फॉर पावर बी आई डेस्कटॉप हमें कंट्रोल प्रेस करके बटन्स को प्रेस करना होता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा और इस हाइड फिल्टर के बटन को मैंने क्लिक किया, देखो फिल्टर हाइड हुए। नाउ वी सी शो फिल्टर बटन, जैसे हाइड फिल्टर को असाइन किया था एक्शन, वैसे ही शो फिल्टर को भी असाइन करना पड़ेगा, अगेन इसका एक्शन ऑन करके इसमें बुकमार्क सेलेक्ट कर देंगे, और मुझे यहाँ पे चाहिए शो फिल्टर वाला, फाइन, तो लेट मी एड दिस एंड लेट टेस्ट इट। मैंने कंट्रोल प्रेस करके शो फिल्टर पे क्लिक किया, फिल्टर्स मुझे विजिबल हो रहे हैं, हाइड फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, फिल्टर्स हाइड हो गए, समझ में आया बुकमार्क का यूज केस कैसा है। अगेन इसमें लेट से आपने बुकमार्क्स बना लिए, नाउ क्लाइंट ने मुझे बोला कि नहीं, आप जब फिल्टर्स को शो कर रहे हैं ना, तो ये जो ब्लैंकेट है ना, ये ब्लैंकेट मुझे नहीं चाहिए, ये ब्लैंकेट नहीं दिखना चाहिए, ये ब्लैंकेट कब दिखना चाहिए, जब हाइड फिल्टर कर रहे हो तो ब्लैंकेट दिखना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब अपडेशन है, आपने तो बना दिया पूरा, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे क्यों होता है, ऐसे बहुत बार होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शो फिल्टर के टाइम रिक्वायरमेंट क्या है कि शो फिल्टर के केस में ये ब्लैंकेट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो अगेन आई कैन ओपन सिलेक्शन पेन एंड बुकमार्क, ठीक है। अभी मैं शो फिल्टर के बुकमार्क के ऊपर हूँ, इस शो फिल्टर के अंदर मुझे चेंजेस क्या चाहिए, ब्लैंकेट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंकेट को मैंने हाइड कर दिया। अभी ये बुकमार्क कौन सा था, शो फिल्टर का था, इसको मुझे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके करना पड़ेगा अपडेट, ठीक है।
अगर अपडेट नहीं किया तो वापिस से वो दिखाएगा आपको ब्लैंकेट। ये शो फिल्टर अपडेट कर दिया, नाउ सेलेक्ट हाइड फिल्टर। इस हाइड फिल्टर पे उसको क्या चाहिए इधर, ब्लैंकेट चाहिए। तो अगेन मैं इसको ब्लैंकेट को ऑन कर रहा हूँ, ब्लैंकेट आ गया इधर। फिर इस हाइड फिल्टर के बुकमार्क को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टेस्ट इट। शो फिल्टर पे क्लिक किया, ब्लैंकेट हाइड हो गया। हाइड फिल्टर पे क्लिक किया, ब्लैंकेट आ गया। समझ में आया, अपडेशन इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, क्योंकि बुकमार्क एक ऐसी चीज है जिसमें छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मतलब एक क्रूशियल वर्क है थोड़ा, ठीक है। जैसे ही अभी हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया ना, तो मैंने मेरे किस में क्रिएट किए थे कम से कम 14 बटन एक पेज के ऊपर, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट ऐसा था कि एक पेज पे 14 पेज थे, ठीक है। तो मतलब इतने विजुअल्स थे उसमें, एक के नीचे एक ओवरलैप, ऐसे टेबल विजुअल था, उसके नीचे कम से कम 5-6 टेबल्स थे। तो कौन सा टेबल कब शो करना है, ये सारी चीजें फिट, राइट। तो उसको मुझे एक दिन लगा था पूरा, वो बात अलग है, ठीक है। बट बुकमार्क में थोड़ा हमें शांत दिमाग से प्रॉपरली सोच विचार करके ही डिसीजन लेना है। अगर आपने गलती से, जैसे कि मैं अभी मेरा शो फिल्टर का बुकमार्क है ये, ठीक है, अगर मैंने गलती से इस हाइड फिल्टर के इसको अपडेट कर दिया, तो ये शो फिल्टर वाला इसमें चला जाएगा, हाइड फिल्टर, तो वापिस से रिवर्क हो जाएगा आपका सारा। हाँ, मतलब अभी जैसे ये हाइड फिल्टर का और शो फिल्टर का मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। अभी लेट से मैंने शो फिल्टर का यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और गलती से मैंने शो फिल्टर को अपडेट करने की वजह से हाइड फिल्टर को अपडेट कर दिया ऊपर का। तो ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट शो फिल्टर की है ना, तो शो फिल्टर के यहाँ पे दो बन जाएंगे, हाइड वाला भी शो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कौन सा बुकमार्क सिलेक्टेड है और कौन सा अपडेट कर रहे हैं, ओके। इसलिए बुकमार्क्स का नेमिंग कन्वेंशन जरूरी होना चाहिए कि आप प्रॉपरली नेम करो बुकमार्क्स को, सिलेक्शन पेन में प्रॉपरली नेम करो विजुअल्स को, ताकि हमें दिक्कत ना आए कि कौन से विजुअल्स को हाइड करना है, कौन से को नहीं करना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करो कि मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन किया, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2016 सेलेक्ट कर लिया, मंथ में लेट्स से मैंने फरवरी मंथ सेलेक्ट कर लिया, मैंने कोई कंट्री का एक फिल्ट्रेशन लगा दिया, लेट्स से फ्रांस। दिस इज ऑल काइंड ऑफ, जब आपका ये बुकमार्क होगा, ये कोई यूजर, ये जो रिपोर्ट होगा ये कोई यूजर कर रहा है। यूजर ने क्या देखा, उसने कुछ सिलेक्शन किया यहाँ पे फिल्टर के ऊपर, और यहाँ पे डेटा देख रहा है ना, उसको अभी फिल्टर को हाइड करना है। जब वो हाइड फिल्टर करेगा, एक ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये डेटा में देखो कैसे चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन लगाए, जैसे मैं हाइड फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो फिल्ट्रेशन जो मैंने लगाया था ना, वो निकल गया। देखो ये फिल्ट्रेशन वापिस यहाँ पे 19 जो ओरिजिनल था वो आ गया यहाँ पे। इफ आई अगेन सी शो फिल्टर, जो मैंने प्रीवियसली फिल्ट्रेशन लगाया था वो भी निकल गया है यहाँ से। इसका मतलब अगर मैं कोई फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ, उसको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है दूसरे बटन्स में, क्योंकि मैं जब शो फिल्टर कर रहा हूँ, कुछ फिल्ट्रेशंस ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा तो माइंडसेट वही रहेगा ना कि फिल्टर बस हाइड हो जाएंगे, डेटा तो मुझे वही शो करना चाहिए जो मैंने फिल्ट्रेशंस लगाए। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन कर लिया, या नहीं भी किया तो भी चलेगा, मैं क्या करूंगा, हर एक जो मेरा, जैसे कि ये मेरा कौन सा शो फिल्टर का बुकमार्क है, तो मैंने इसको ओपन किया। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा जो है, ये डेटा क्या है, चेक है, टिक मार्क है उसको, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, इसको टिक मार्क मैंने निकाल दिया। इफ आई चेक अगेन, देखो चेक मार्क इसका निकल गया है। सेम वे मैं हाइड फिल्टर का भी कर रहा हूँ, डेटा को अनचेक कर रहा हूँ। नाउ लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन वापिस से ऐड कर रहा हूँ, 2016 का फेब्रुवरी मंथ, लेट्स से कंट्री फॉर जर्मनी, एंड कैटेगरी लेट्स से फॉर एक्सेसरीज। मतलब आपका फिल्ट्रेशन जो है वो रिटेन हुआ है, वो गायब नहीं हुआ। इफ आई क्लिक ऑन अगेन शो फिल्टर, जो फिल्ट्रेशन आपने डाला हुआ था वो वापिस आ गया, ठीक है। समझ में आया, डेटा का जो ऑप्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्लाइंट्स को ये नहीं चाहता हो कि चेंज हो जाए प्रीवियस स्टेज पे, जो फिल्ट्रेशन उसने अप्लाई किया वही फिल्ट्रेशन उसको कैरी फॉरवर्ड चाहिए, ठीक है। डेटा का ऑप्शन समझ में आया सबको? सो दिस इज
वॉट बुकमार्क इज डूइंग, बुकमार्क क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है स्टेट को, हम बस बटन्स क्रिएट करके कौन सी स्टेट कब दिखानी है वो कंट्रोल कर रहे हैं बुकमार्क के थ्रू, अंडरस्टैंड। अगर अनदर यूज केस क्या है, हो सकता है कि जैसे मैंने इनिशियली बताया कि मेरे दो विजुअल्स है, एक ग्राफ है एक टेबल है, मुझे ग्राफ दिखाना है, जब ग्राफ पे क्लिक करूंगा टेबल दिखाना है, जब टेबल जब जब ग्राफ पे क्लिक करूंगा तो ग्राफ दिखे, टेबल पे जब क्लिक करूंगा तो टेबल दिखेगा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो आल्सो कैन बी पॉसिबल यूजिंग बुकमार्क। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करना पड़ेगा विजुअल्स, ठीक है। वो एग्जांपल दिखाओ आपको, या दिस इज इनफ बुकमार्क के लिए, ओके। बटन्स जो होते हैं बेसिकली, बटन्स का एक यूज केस ऐसा भी है रीसेट करने के लिए, मतलब बुकमार्क्स हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो मान लो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर फिल्ट्रेशन, राइट, ये 2016 है मंथ है, अगर मुझे इनका सबका फिल्ट्रेशन क्लियर करना है तो मुझे अभी अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्लाइसर्स पे जा रहा हूँ, फिल्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेट कैप्चर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सबका फिल्ट्रेशन मैंने निकाल दिया, मतलब ऑल कर दिया, जस्ट एक लास्ट बटन में क्रिएट करके दिखा दूं कि हाउ कैन वी यूज बुकमार्क्स टू क्लियर द स्लाइसेस फिल्ट्रेशंस, राइट। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, सारे फिल्ट्रेशन निकाल दिए, मतलब दिस पर्टिकुलर विजुअल शोकेसिंग मी ऑल डेटा, ऑल कंट्रीज का, ऑल ईयर का, सो आई कैन यूज दिस स्टेज एज अ रीसेट फिल्टर स्टेज। सो आई कैन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन कैप्चर दिस स्टेज एंड इसको मैं नाम दूंगा, लेट्स से रीसेट फिल्टर, ठीक है। तो इसको नाम दूंगा मैं रिसेट फिल्टर, मैंने कैप्चर कर लिया स्टेज, और लेट्स से मैंने एक एक बटन क्रिएट किया, लेट्स से इसी बटन को कॉपी कर रहा हूं मैं और यहां पे रख दिया मैंने, जिसको नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल रिसेट फिल्टर का। लेट मी क्विकली डू दिस, फॉर्मेट शेप में गया मैं, आई कैन यूज स्टाइल, लेट्स से टेक्स्ट, इसको नाम दे दिया मैंने रिसेट फिल्टर, ओके। एंड गो टू दिस एक्शन बटन, एंड इस एक्शंस में फॉर दिस पर्टिकुलर बुकमार्क आई कैन सेलेक्ट लेट्स से रिसेट फिल्टर, राइट, फॉर दिस बटन रिसेट फिल्टर। नाउ लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन किया 16, इसमें लेट्स से मंथ नेम मार्च, कंट्री नेम लेट्स से यूनाइटेड किंगडम, कैटेगरी नेम लेट्स से एक्सेसरीज, इतना सारा फिल्ट्रेशन मैंने डाल दिया, ठीक है। मैंने चारों स्लाइसर्स में फिल्ट्रेशन डाला, हो सकता है कि आपके केस में वो मल्टीपल स्लाइसर्स हो, चार नहीं आठ दस स्लाइसर्स आपने क्रिएट किए हुए, तो मुझे वन गो में अगर ये फिल्ट्रेशन क्रिएट करना है तो इसलिए मैंने ये रिसेट फिल्टर का बनाया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ कंट्रोल प्लस रिसेट फिल्टर, तो सी सारे फिल्ट्रेशन रिसेट होंगे। तो ऐसा भी मैं यूज कर सकता हूँ बुकमार्क्स का, मैं सारे फिल्ट्रेशन क्रिएट करके उस स्टेज को कैप्चर करके स्टोर कर दूंगा, उसको यूज करूंगा रिसेट के लिए, उस पर क्लिक किया तो वही स्टेज दिखाएगा जब रिसेट की कंडीशन थी। तो आ रहा है समझ में, सो काइंड ऑफ अ यूज केस इज बुक पर। अगेन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी लिमिट जो, मतलब जो इमेजिनेशन पावर है वो यहाँ पे ज्यादा यूज होती है कि आप बुकमार्क्स को कैसे यूज करना चाहते हो। हर एक डेवलपर अपने अपने हिसाब से बटन्स क्रिएशंस, लॉजिक क्रिएशंस, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है चीजों को, वो अपने अपने हिसाब से शोकेस करते हैं, राइट। सो बुकमार्क्स की थोड़ी प्रैक्टिस करो, स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, एटलीस्ट इसको रिपीट करो, ये स्टेज जो हमने आज सीखा, ट्राई टू क्रिएट दिस, राइट। कुछ इशू आता है तो कल के लेक्चर में पूछ लो कि दिस इज नॉट द इशू, ओके फाइन। सो कल कितने बजे ले सकते हैं, सुबह इवनिंग को थोड़ा बोर हो जाते हैं, सुबह कितने 8 बजे, फाइन। तो 10 बजे, 12 बजे तो खाने का टाइम हो जाता है।
बजे फाइन है, आई एम रेडी फॉर 9 आल्सो, मैं 9 बजे को भी रेडी हूँ। एम लैंग्वेज ओके, सो 10 बजे मिलते हैं अपन। आप लोग ऑनलाइन करोगे या इधर आओगे? एक चीज बताओ मुझे, ऑनलाइन वाले हाथ ऊपर करो, चार ही, ऑफलाइन वाले तो बाकी सब ऑफलाइन ही। यस सुनील, यू आर ऑलरेडी ऑनलाइन राइट? यस कुणाल, यू टू, ठीक है ऑफलाइन पे फिर मिलते हैं। नहीं चलो, इट्स फाइन।